ओके तो क्वेश्चन नंबर फोर में था कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एल्केन क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसमें था कि मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, जो अभी बता दिया कि ये सब मेजर है, तो प्रोपेन मेजर नहीं था इसलिए प्रोपेन आंसर होता। और क्वेश्चन नंबर थ्री में एक मॉलिक्यूलर मास 72 है, तो कितने कार्बन लोगे, 72 जाएगा, तो 6 कार्बन मतलब कार्बन ही 72 हो गया, इसलिए 5 लेना पड़ा। C5 लोगे तो 60 हो गया, मतलब हाइड्रोजन बाकी काउंट कर लो, 72 तक जाने के लिए 12 चाहिए। अब मोनो एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए, तो जैसे तुमने ये लिया तो इसमें तीन स्ट्रक्चरल बन गए, दोनों मिथाइल सेम है, या यहाँ पर भी एक आएगा, दूसरा तीसरा चौथा, टोटल प्रोडक्ट 6 होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिला के। और ये मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा ही जब भी एग्जाम होगा, ये बार बार आया हुआ आईटी में ये क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट नोट्स रेफर करना 6 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल है इसलिए चारों ओर से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये 1 होगा। ओके नेक्स्ट, CH3 के साथ HBr, ये R है कि S है कैसे बताओगे, मालूम है CH2 CH2 CH3 R की S। ओके तो ब्रोमीन को नंबर 1 ले लो, नीचे वाला प्रोपाइल ग्रुप नंबर 2, मिथाइल नंबर 3, तो 1 2 3 किधर जा रहा है, ये 1 2 3 ऐसा जा रहा है ना, ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आ रहा होना चाहिए, बट हाइड्रोजन कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है तो उसका अपोजिट दिखेगा, तब तो S दिखेगा ना। एक मिनट, तो BR से प्रोपाइल और मिथाइल की ओर चले जाओगे तो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन R है, बट हाइड्रोजन तुम्हारा ऊपर की ओर है, तो तुम्हें क्या देखना चाहिए, तुम्हें कॉपी के बैक साइड देखना चाहिए, तो जो दिखेगा उसका अपोजिट, तो जो दिखेगा उसका अपोजिट क्या होता है, फिर ये S हो जाएगा। वैसे इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है वैसे, मगर ये क्लियर है सबको S है। ब्रोमीन का प्रायोरिटी नंबर 1 और ये कार्बन कार्बन ये तो 2, ये 3, ये 4, एक्चुअली 1 2 3 करोगे तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब R दिखना चाहिए, बट H हॉरिजेंटल पोजीशन पे S हो जाएगा। हाँ बट हॉरिजेंटल पे तो S हो जाएगा ना, होता क्या है कि जो तुम्हें ग्रुप है जो लोएस्ट प्रायोरिटी है तुम्हारे आंख से दूर रहना चाहिए, चौथे को अपने आंखों से दूर रखना है तुम्हें, अवे, एंड देन तुम्हें देखना है किधर जाना था, तो फोर्थ जो हाइड्रोकार्बन है वो तो तुम्हारे आंख की ओर है, तुम्हारे ही ओर आ रहा था, तुम सामने से देख रहे हो तो गलत डायरेक्शन देख रहे हो, एक्चुअली तुम्हें अपने कॉपी के पीछे जाकर देखना होगा, हाइड्रोजन के बिल्कुल 180 डिग्री पे जाना है, तो हाइड्रोजन कॉपी के पीछे जाओगे तो जो तुम्हें आर एक्चुअली दिख रहा है वो उल्टा हो जाएगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि फोर्थ ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है ना, तो जो दिख रहा है उसका उल्टा, और वर्टिकल पे है तो जो दिख रहा है वही, याद आया। दो CH2 क्वेश्चन क्या है, CH2 CH2 CH3 है 17 में ना, CH3 कार्बन के बाद 2 CH2 एंड देन CH3, तो कार्बन के साथ हाँ कार्बन फिर 2 CH2 देन CH3 है राइट। CH3 फिर CH के साथ भी यार, फिर प्रोपाइल ग्रुप है वहां पे CH2 CH2 CH3, दो नंबर CH3 को क्यों नहीं दिया, अरे ये सब भी डाउट है, एक बार RS कॉन्फ़िगरेशन करो, उसमें एटॉमिक नंबर पे जाते हो तो ब्रोमीन नंबर 1 है ना, और मिथाइल और प्रोपाइल में जाओगे तो कार्बन मिथाइल के पास 2 3 हाइड्रोजन ही है, बट प्रोपाइल के पास क्या है तुम्हारा, मतलब कुछ ऐसे, जब तुम इधर करोगे ना ये CH3,
हाँ तो यहाँ पे एक इसके पास दो हाइड्रोजन नंबर, तीसरा तो कार्बन पड़ रहा है ना ये, तो इसके पास बड़ा ग्रुप है, ये वन हो गया, तो इसके पास कार्बन इसलिए टू हो गया और ये थ्री हो गया। तब तुम ऐसे देखोगे, तो तुम देख तो रहे हो सामने से, यही तो गड़बड़ है कि सामने से नहीं देखना था। क्या करना था हम लोगों? उसको सामने से नहीं देखना था, बैक साइड से दिखना था, तो जो दिखता उसका उल्टा, तो यदि आर दिख रहा था उसका उल्टा एस कर देना, यही कंसेप्ट है ना। और यदि हाइड्रोजन तुम्हें वर्टिकल पे दिखे, ऐसे दिखे, फोर्थ ग्रुप यदि वर्टिकल पोजीशन पे, तो वर्टिकल मतलब क्या होता है, नीचे क्या हुआ था, जो दिख रहा है वही करना होता है। इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, बट आर एस लिखना याद आ गया अभी सबको। क्लियर है कि डाउट है इसमें? क्लियर? हाँ, तो ये आर एस से मतलब नहीं, बस एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब नेक्स्ट में जब तुम बी आर टू 300 डिग्री पे दोगे, तो कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा? तो पहले वाले में क्या क्या बन जाएगा? जब पहला फॉर्म करोगे तो एक ब्रोमीन ऊपर दे दो, ये बन गया सी एच टू बी आर। ये इसके कॉन्फ़िगरेशन को कुछ मत करना, ये तो ऐसे रहेगा यहाँ प्रोपाइल। दूसरा क्या बन जाएगा? ये सी एच थ्री रखो, एच के जगह बी आर कर दो, बी आर और ये प्रोपाइल, यही होगा ना। थर्ड में जाओगे तो ये मिथाइल हो गया, ये एच बी आर, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट, एक बार बी आर इधर, एच इधर, और दूसरा इसका मिरर इमेज। मतलब मिरर इमेज किसका है? इसको नहीं कर सकते, ये एस है तो एस ही रहेगा, इसको फॉर्म को चेंज मत करो, ये एस है तो एस रहेगा, यहाँ पे चेंज हो सकता है, बी आर इधर, एच इधर, देन इथाइल। सिमिलरली आगे वाले ग्रुप्स, सी एच थ्री, ये एच बी आर लिया तुमने, यहाँ पे क्या हो गया सी एच टू, यहाँ पे भी एक बार बी आर राइट में, एच लेफ्ट में, और अगले में क्या हो जाएगा सी एच थ्री, एच और बी आर यहाँ पे ले लो, बीच में सी एच टू, तो इस बार बी आर लेफ्ट में, एच राइट में, और इथाइल यहाँ पर। क्लियर हुआ कैसे? फिर एक बार लास्ट में, लास्ट वाले में भी एक बार सी एच टू बी आर ले लो, हो जाएगा ना। मतलब सी एच थ्री, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, एच बी आर, सी एच टू, यहाँ पे भी सी एच टू, और लास्ट वाले में सी एच टू बी आर। हाँ, तो कौन सा नहीं बना वो बताओ, ऑप्शन देखो। अब इतना करना ही नहीं था, वो तो पूछा है कौन सा नहीं बना ना, तो डी तो डायरेक्ट दिख रहा है, डी में बी आर और एच का कंफिगुरेशन ही चेंज कर दिया उसने, एस को आर बना दिया उसने। क्या ले लिया एक प्रोडक्ट में, डी में ये सी एस थ्री था, और यहाँ पे बी आर था, ये एच है, तो यही नहीं हो सकता, ये एस से आर नहीं करोगे, बाकी जो भी करे वो सब चलेगा, बट वहीं पे चेंज हो गया ना, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो वही मेंटेन रहा ना, एस का एस ही रखना है तुम्हें, बाकी सब चेंज करते रहो। वो कैसे चेंज करोगे? इस कंपाउंड का जो एस था वो एस ही रह जाएगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह बी आर आ सकता है, ये फिजिबल है कि हाइड्रोजन हटा के बी आर ला दो, ये फिजिबिलिटी है कि हाइड्रोजन हटा के बी आर ला दो। अगर बाकी सब में हाइड्रोजन से हटा के ये करोगे तो जो एस है वो कैसे चेंज होगा? मान लो एक कंपाउंड एस सिस है और कहीं कुछ और है, अब कहीं कुछ और रिएक्शन हो रहा है, बट उसका जो सिस वाला पार्ट है किसी और रिएक्शन के कारण खुद ट्रांस क्यों होगा, सिस ही पड़ा रहेगा। उसी तरह आर और एस दो पार्ट है, तो यदि मॉलिक्यूल आर है, तुम कहीं हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन हटाओ, तो वो आर क्यों एस हो जाएगा, वो आर का आर ही रहेगा, एस कैसे ही रहेगा, जो है वैसे मेंटेन करना, वो उसमें फर्क क्यों डालना, वो बताओ, वो कैसे फर्क हो जाएगा उसमें? क्लियर बात है? तुम हर जगह हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन डालो ठीक है, बट हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन डालना ये नहीं कि एस को भी अपने आप आर कर दो, वो क्यों चेंज होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो था वो है, उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया ना। क्लियर? यस अनुराग, क्लियर हुआ? हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चन कर दिया ये भी आता है कि कितने तुम्हारे डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेंगे, तो डाई ब्रोमो प्रोडक्ट तो सब काउंट करा दिया ना, ये क्वेश्चन मेनली आता है कितने डाई ब्रोमो बनेंगे, तो सबको जोड़ते जाओ, स्ट्रक्चरल इतने बन गया,
ऑप्टिकल जोड़ के और आ जाएंगे. स्ट्रक्चरल कितने होंगे डाइब्रोमर प्रोडक्ट सोचो. पहला तो ये बन गया, दूसरा यहाँ एच हटा के, तीसरा इस सी एस टू पे एच, चौथा इस सी एस टू पे एच, पांचवा इस सी एस टू पे एच. पांच तो स्ट्रक्चरल बन गया, बाकी ऑप्टिकल काउंट करना होगा तो कर सकते हो. इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन सा होगा? हाँ तो पूछता है ऑप्टिकली एक्टिव. पहला पहला में क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, बट इसका दो प्रोडक्ट काउंट नहीं होगा, एस और आर नहीं काउंट होगा, ये एस का एस ही रहेगा. यहाँ पे भी आर किया ना तुमने, मतलब ये एस की जगह नाम चेंज हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वैसे ही रहेगा. हाँ तो यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, एस के जगह एच और बी आर जो लेफ्ट राइट था वही रखना है. अब यहाँ पे जब तुम इसे लिखना स्टार्ट करोगे तो ये चेंज होगा कैसे, ये भी एक अच्छा पार्ट हो जाएगा. बहुत बढ़िया. हाँ अब बताओ. ये क्या अभी भी एस रहा कि आर रहा? ये वन हो गया, इसके पास टू हो गया, ये थ्री हो गया, वन टू थ्री है ना. अब तुम्हें जाना होगा तो ऐसे जाना होगा, तो उल्टा जा रहे हो, जा तो रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, बट हाई रोडन इस पे है तो ये आर हो जाएगा, राइट. बट थिंग इज कि रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए. एच के जगह ये बी आर जो हुआ ना, एच लेफ्ट और बी आर राइट है तो वैसे ही होना चाहिए, सी एस टू बी आर ऊपर और पी आर नीचे होना चाहिए. हाँ अब ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बना दिया कि एस के जगह आर हो गया. तो ऐसा सेम केस सब्स्टिट्यूशन में हो गया था. ऐसा क्वेश्चन आता है कि एस एन टू में क्या फिजिबल है कि जब सब्स्टिट्यूशन हो तो आर एस में कन्वर्ट हो जाए? तो वहां आर का एस बनेगा कि नहीं वो मैटर नहीं है, इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा सब्स्टिट्यूशन में. ये समझो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रोडक्ट इन्वर्सन बन जाता है, बट आर के जगह आर भी हो सकता है, आर के जगह एस भी हो सकता है. क्यों? दोनों कंपाउंड ही अलग हो गए. पहला कंपाउंड जो था तुम्हारा ये सी एस थ्री को लेके बना हुआ था, इसको लेके बना हुआ था, और दूसरा कंपाउंड हो गया ये अलग है. तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है. तो पहला एस था तो दूसरा आ था, बट रिलेटिव पोजिशन वही रहेगा, एच लेफ्ट में, बी आर राइट में, पी आर नीचे, तो ऊपर में सी एस टू बी आर कर. ये समझ में आया? तो कोई बोले कि सब्स्टिट्यूशन में ऐसा आता है, एमएस चौहान बुक में देखोगे SN2 में R configuration converts to S, ये नहीं कि राइट कर देना, नहीं R का S नहीं होता है. हो सकता है वो कंपाउंड ही दो अलग है, वहां BR हटा के OH ले आए तुम, तो R के जगह R ही रह जाए, ये भी हो सकता है, S के जगह S ही रह जाए. हाँ बट प्रोडक्ट इन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अटैक बैक साइड से होगा, तो इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस, ये नहीं कि R का S हो जाए. ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, वही पॉइंट यहाँ पर आ रहा है. रिलेटिव पोजिशन जो है एच और बी आर का वही रहेगा, भले कॉन्फ़िगरेशन एस के जगह आर आ गया, बट तुम यहाँ पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता. बी आर राइट लेफ्ट और एच नीचे और सी एस थ्री ऊपर, ऐसे. हाँ बताओ क्या डाउट इसमें. हाँ उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते, मतलब तुम सी एस टू बी आर लाओगे ना यहाँ पे यदि सी एस टू बी आर लाया तो ये नहीं हो सकता कि बी आर लेफ्ट हो जाए एच राइट हो जाए, नहीं एच और बी आर लेफ्ट राइट है तो वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं करना, बस ब्रोमीन हर जगह ऐड करना है. हाँ ये इसके लिए रिकॉर्ड किया कि बाद में नहीं समझ में आएगा तो देख सकते हो एक बार. क्लियर हुआ? यस नो? ट्राई ब्रोमो भी हो सकता है, बट वहां तक वो कभी नहीं पूछता क्यों, उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ जाएंगे. ट्राई पे जाओगे तो बहुत सारे हो जाएंगे. तो डाई ब्रोमो तक चलता है मैक्सिमम, उसी को काउंट करने में 8, 9, 10 तक चले जाते हैं, तो उतना टाइम कहाँ देगा वो तुम्हें. तो कोई भी क्वेश्चन ट्राई ब्रोमो वाला तुम नहीं देखोगे. एम एस चौहान मतलब जेई एडवांस बहुत हाई लेवल, तो खुद वहां पर टच नहीं करता, ये जेई सिलेबस से ऊपर खुद ही है. ओके बताओ.
कोई डाउट नहीं आ रहा, मतलब सही है, ठीक है. नेक्स्ट एलकेन क्वेश्चन नंबर 20. ओके 20 पे जाओ. कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड. कौन कौन सा है? एक हो गया सिस 1-ethyl-3-methylcyclohexane, और एक हो गया ट्रांस 1-ethyl-3-methylcyclohexane. तो ट्रांस 1-methyl-3-methylcyclohexane, तो इसका क्या पूछा हुआ है, क्या होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है, यही है ना. तो ए इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल, ए और बी इक्वली स्टेबल. ये देखो कि किसमें दोनों इक्वेटोरियल आ रहा है, सिस और ट्रांस में. मैंने एक टेबल दिया था साइक्लोहेक्सेन में, ऐसे ये दोनों ट्रांस होते हैं और यहाँ पे ये दोनों सिस हो गए. ये दोनों पोजीशन क्या हो गया, सेम साइड पे सिस हो गए और ये दोनों ट्रांस हो गए 180 पे, है ना. तो यहाँ पे ये ट्रांस हो गया, तो 1-2 and 1-4 का एक्सियल एक्सियल और इसी का कन्वर्ट होकर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो जाए तो ट्रांस होता है, और 1-3 का एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सिस होता है. तो जिसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मिल जाओ ज्यादा स्टेबल है. एक्सेल एक्सेल में रिपल्शन होता था, यही था ना. अब देखे हम लोग को दिखाना है पहला क्या है, सिस के ट्रांस. सिस 1-3, 1-3 का सिस मतलब क्या होगा, दोनों इक्वेटोरियल ले सकते हो ये, और ट्रांस का, ट्रांस में 1-3, ट्रांस का 1-3 क्या जाएगा, वन थ्री का जब तुम ट्रांस लोगे तो ये एक्सेल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सेल हो जाएगा, तो ये ट्रांस हो जाएगा. और 1-2-1-4 का सिस क्या हो जाएगा, 1-2 and 1-4 का सिस इज व्हाट, एक्सेल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सेल. तो ये तो बेकार ही है जिसमें एक्सेल इक्वेटोरियल, इसमें केवल इक्वेटोरियल स्टेबल हुआ एक्सेल नहीं हुआ. यहां भी वही हो रहा है, इक्वेटोरियल स्टेबल हो गया, यहाँ इक्वेटोरियल स्टेबल हो गया, यहाँ इक्वेटोरियल स्टेबल हो गया. बट जब तुम सिस लोगे तो 1-3 स्टेबल होगा क्योंकि दो इक्वेटोरियल आ सकते हैं, या ट्रांस लोगे तो 1-2 या 1-4 स्टेबल होगा क्योंकि दो इक्वेटोरियल होगा. तो ट्रांस का 1-2-1-4 स्टेबल हो सकता है, 1-2-1-4 पर ट्रांस होता है स्टेबल हो जाएगा, और सिस का 1-3 रहे तो स्टेबल हो जाएगा. क्लियर हुआ ना. अब क्वेश्चन देखो, तो सिस है 1,3-methylcyclohexane, ये दोनों के इक्वेटोरियल पे ला सकते हो, 1-3 का इक्वेटोरियल आ जाएगा ना, तो ये यहां पे जैसे तुमने इथाइल दे दिया और क्या है, एक मिथाइल है, यहाँ पे ऊपर आ जाता है ये मिथाइल, ये दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो सिस स्टेबल पड़ रहा है क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल कर रहा है. फ्लिपिंग करके दोनों एक्सियल भी हो सकता है, तो लेस स्टेबल होगा उस फॉर्म में, वो कम रहेगा, इक्वेटोरियल के फॉर्म में ज्यादा रहता है वो. क्लियर. और इधर क्या हो जाएगा, ट्रांस, ट्रांस में 1-3 लोगे तो क्या होगा, जैसे तुमने यहां पे मिथाइल ले लिया तो यहां पे जब ट्रांस पे जाओगे तो एक इक्वेटोरियल जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इथाइल हो गया, बट ये वाला पार्ट तो एक्सियल पड़ गया ना, तो लेस स्टेबल पड़ गया ना, एक एक्सियल बनना ही था, इसमें दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पड़ गया, तो ये मोर स्टेबल पड़ गया ना. तो ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लो, ये हर जगह रहता है, आते रहता, मतलब 1-3 रहे तो सिस ज्यादा स्टेबल है ऐसे याद कर लो, या 1-2-1-4 रहे तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा. तो कई बार कंबशन पूछ देता है कि किसके कंबशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा. तो कंबशन मतलब जो लेस स्टेबल होगा उससे ज्यादा रिलीज होगा, तो जो ट्रांस 1-3 है उससे ज्यादा रिलीज होगा. क्लियर हो गया अभी, तो क्या आंसर होगा,
ए इज मोर स्टेबल, यही है ना, सिस इज मोर स्टेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों जल्दी समझ में नहीं आता, जो जो जल्दी समझ में नहीं आया सब इंपॉर्टेंट। हाँ आंसर इज ए गुड सिस। ओके और कौन सा था, 20 के बाद 33 लिखा था तुम लोगों ने ना। Which of the following decision is suitable? ये इस ये बार पेपर इजी होगा। आई अपन पेपर पे क्यों जा रही, जो आईटी देखो यहाँ का पेपर करके क्या करोगे, इसके पेपर में टॉप भी कर रहे हो तो क्या फायदा, अच्छा है मनोबल बढ़ा रहता है। यहाँ का पेपर इजी होगा कि टफ होगा मैटर नहीं, आईटी में कैसा जाएगा, और आईटी में विश करो कि टफ आ जाए, टफ आ जाए तो तुम लोग से सारे बनेंगे बट बाकी लोग फंस जाएंगे, क्योंकि वो चीजें मैंने पढ़ा दी है कि उस लेवल से कुछ भी टफ नहीं हो सकता। या कोई भी बच्चा जो कोचिंग जानता है वो वही मान के चलता है कि टफ है, कि बाकी लोग से ना हो, तुम उसमें दो चार भी कर दो तो तुम्हारा काम बन जाए। ऐसे पहले आईआईटी में इसीलिए 25% मार्क्स आता था तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता था, 25% बहुत था, अब तो बढ़ाते बढ़ाते ईजी के चक्कर में 50-60% मार्क्स जा रहे हैं। 33 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेन एंड इथेन बाई यूजिंग वन स्टेप ओनली। एक को क्या करोगे, CH2 है उसको हाइड्रोजनेशन कर दो, इथेन बन जाएगा, ये है ना, तो प्रिपरेशन ऑफ मिथेन एंड इथेन बाय यूजिंग वन स्टेप। एक स्टेप से तुम्हारा मिथेन बन ही नहीं सकता, इथेन से कैसे बना सकते हो मिथेन, कोई चांस ही नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो इथेन तो बन गया राइट, बट कार्बन ब्रेक करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो तुम क्या करते हो, इसका मोनोब्रोमिनेशन करोगे, CH3 CH2 Br आएगा, देन इसको ये करेंगे OH डालोगे, CH3 CH2 OH होगा, देन ऑक्सीडेशन करोगे, देन CH3 COH होगा, है ना, फिर डिकार्बोनाइजेशन करोगे NaOH+CaO, तब कहीं जाके CH4 बनेगा। ये सब बोर्ड्स लेवल हो गए कि इथीन से कैसे मिथेन बनना है, तो बोर्ड्स के लिए सब लर्न करना पड़ेगा तुम, ये सब स्टेप्स है ना, तो बट इतना प्रोसेस करने के बाद मिथेन आ पाएगा, क्योंकि एक कार्बन बनाना डिफिकल्ट है, बट बी में जाओगे तो CH3OH है, तो CH3OH का डाइमर नहीं बना सकते तुम, CH3OH का डाइमर नहीं बना सकते, उसको भी क्या करना पड़ेगा, इथेन बनाने के लिए उसका दूसरा करें CH3OH, उसको HBr दोगे तब CH3Br आएगा, तब इसको क्या करोगे NH दोगे तो इथेन आएगा, तो ये भी दो तीन स्टेप चला गया ना। और थर्ड में था है, कौन सा था, हाँ CH3Br, ये व्हाट्स रिएक्शन होगा ना, इसको रिडक्शन डाल दो LiLH4, वो क्या कर देगा CH4, और या फिर ये कर दो, या हाइड्रोजन के साथ NI वगैरह दे दो, या और सब भी था मेटल एसिड वगैरह, या सोडियम पुट कर दो तो क्या बन जाएगा C2H6, यही था ना। नेक्स्ट पे बताओ, 33 क्लियर, 33 के बाद कौन सा था लिख दो एक बार, कोई किसका था, 19 दर्शन का, 19 ओके 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मिथाइल ग्रुप इन द चेयर कंफर्मेशन ऑफ द चेयर, विच ऑफ बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द चेयर कंफर्मेशन ऑफ द बिलो, क्या क्या हो जाएगा। चेयर कंफर्मेशन में जाओगे, तभी मैंने बताया था कि 1-2 का तुम ये लोगे सिस लोगे तो क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल क्लियर, और दो एक्सियल एक्सियल आता तो क्या होता, एंटी होता ना, दो एक्सियल एक्सियल एंटी हो जाता, एक दूसरे से 180 पे दिखता राइट, इक्लिप्स का चांस ही नहीं है, इक्लिप्स या तो बोट फॉर्म में होगा, इक्लिप्स कैसा होगा, बोट फॉर्म में होगा, तो ये चीज कैसे होता है देखो,
ये दोनों क्या होगा जब बनाओगे इस कार्बन और इस कार्बन को लेके, यहाँ का कार्बन यहाँ का कार्बन, अब ये सब जीओसी के पार्ट में चला जाएगा, ये मिथाइल इधर होगा तो इसका मिथाइल साथ ये 180 पे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये दो ग्रुप इधर जाएंगे, तो ये फॉर्म क्या हो गया एंटी का, तो मिथाइल ऐसे दिख रहा है, बट दोनों को यदि फ्लिपिंग करके इक्वेटोरियल ले आ दिया तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा अभी, ये नीचे ऐसे, तो ये इधर आ जाएगा और उसका ये इधर जाएगा, तो अब ये दोनों मिथाइल कैसे दिखेंगे, ये दोनों इक्वेटोरियल पे आ गए, स्लैंट लाइन मतलब इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कैसे दिखेगा, ये एक इस साइड है, तो इस वाले का मिथाइल, इसके तीन ग्रुप ऐसे कर दो, ये मिथाइल है ऊपर वाला कार्बन, नीचे में कैसा हो गया, ये मिथाइल इधर, इसके तीन 180 पैसे ले लो हाइड्रोजन वाले पार्ट, ऐसे है ना, ये दोनों क्या दिखेंगे, ये गॉश फॉर्म है ना, सर ने ये टॉपिक ही छोड़ दिया था ना, इसी वाला पार्ट, फिर मैंने नोट्स दिया था राइट, तो उस नोट्स में देखना ये सब लिखा रहेगा, या फिर लर्न हो जाना चाहिए तुम्हें कि दो मिथाइल मतलब, फिर मेरे पास हाई लेवल वाले नोट्स है, नोट्स तो दे दूंगा बट एक अलग बनाना पड़ेगा, जिसमें नहीं समझ में आया तो फिर जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल वहीं पर है, बट स्टीरियो के मैं नोट्स देता हूँ, रुक जाओ दूसरे नोट्स दूंगा, स्टीरियो का कौन सा नोट चाहिए तुम्हें, सर का कौन सा पार्ट मिसिंग था, ये स्टीरियो इसमें इनका, ये तो दे दिया था ना चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म वाला, समझ में आता है पूरा नहीं, डीडी सर ने बोला था चार पांच बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो वही जो सर ने बोला था बैच वाइज पढ़ाते थे, जैसे एमसी सर ही जैसा बैच रहेगा वैसे क्वेश्चंस कराएंगे, उससे इजी जाता है, सबको सब चीज पढ़ाना डिफिकल्ट होगा हमेशा, इसीलिए तो उन्होंने बोला था स्टीरियो का अच्छे सम्स भेज दो, तो फिर मैंने भेजा नहीं था क्योंकि समझ में नहीं आएगा, फालतू में गड़बड़ होगा, वो शादी के लिए रोक दिया था, हाँ शिवम अभी तुम लोग का लेक्चर स्टार्ट ही होगा उसमें करा दूंगा उसे, वो जो क्वेश्चन है जेई एडवांस के ही हायर लेवल के लिए, मतलब वो सब चाइना बैच वाली क्वेश्चन है, वो सब करेंगे हम, बट उस बैच में अलग से, कौशल भेज दो नहीं समझ में आएगा तो भी चलेगा, अरे बट प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आएगा तो चलेगा नहीं ना, चार पांच लोग डीडी सर से बोल रहे नहीं समझ में आ रहा, तो चीजें नहीं पढ़ानी है, जो नॉर्मल चीजें वो पढ़ेंगे, एसआरजी के लिए वो सब चलता, एसआरजी चालू हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था कि भाई यदि हाई लेवल पढ़ाओ नहीं समझ में आया तो करके मेहनत करके पढ़ लो, नहीं तो बोलो तो फिर एवरेज लेवल जैसे सर पढ़ा रहे तो वैसे कर देता हूँ, उसमें सब समझ में आएगा, नहीं यदि मैं अपने स्टीरियो के नोट्स भेज दूं तो तुम्हें लगेगा कि एमसी सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि सर ने वो लेवल ही नहीं लिया कभी, वो जानते हैं कि इस लेवल को पढ़ाओ तो प्रॉब्लम होगा, तो दो चार लोग जरूर प्रॉब्लम करेंगे कि नहीं समझ में आ रहा, अब मैंने यही चीज तुम लोग से पूछ के कर लिया कि नहीं ठीक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे लेवल से पढ़ा दो आप, देखा जाएगा बाद में कभी ना कभी समझ में आएगा, तो ये समझ के मैंने पढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ प्रॉब्लम आ रहा है, चार पांच लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर सबको वही नोट्स चाहिए, तो पहले आपस में बैच वन में ही प्रॉब्लम, बैच टू तो हैप्पी है बहुत, बैच वन में ही आपस में पता नहीं अब चार पांच लोग कौन है सर से तो बात करनी पड़ेगी,
बट वो आपस में रिलेशन बनाओ कि ठीक है यदि क्वेश्चन हाई लेवल पढ़ना है तो आपस में करेंगे और जो डाउट होगा बाद में पूछते रहेंगे, क्लियर होते रहेगा। बट सम्स ऐसे हो जाएंगे तो जेईई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। ये नहीं मालूम कौन है, डीडी सर से पूछना पड़ेगा, बट चार या पांच लोग हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आएगा, वो मैंने बोला ही था कि तुम इसमें 50% भी समझ जाओ तो बहुत है, बट क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे लेवल के मिल जाएंगे नोट्स में। अब जेईई मेंस करना चाहते हो तो वो बहुत हाई पड़ जाएंगे। अच्छा एक काम करूंगा, दो पार्ट में बांट देता हूँ, अच्छे सम्स अलग से मैं भेज दिया करूंगा, वो उनके ऊपर है समझना ना समझना। बाकी चीजें जैसे सर करते थे एनसीसी सर के नोट से था वैसे कर देंगे, और फिर अच्छे से हम समझाएंगे। अभी मैं स्टीरियो केमिस्ट्री उठा लूं तो तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कभी भी रिवीजन एक लेता हूं तो बस यही लगेगा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा, इतने अच्छे सम्स होते हैं। हाँ अभी करेंगे रिवीजन करेंगे उसका, अरे डोंट वरी करेंगे सब, अब तो मेरे ही हाथ में ना। हाइड्रोकार्बन के नोट्स हाईएस्ट लेवल है, अभी इतने अच्छे नोट्स तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। एलकेन उठा के देख लो पूरे मुंबई में, या कोटा का कोई टीचर है जो भी है, इससे अच्छे नहीं मिल सकते क्योंकि चाइना बैच के नोट्स है, मतलब ये सब समा ही नहीं सकते। किसी भी टीचर का उठा लो, इंडिया के किसी भी टीचर का नोट्स उठा के देख लो, ये नहीं मिल सकता तुम्हें, चाहे वो एलिमिनेशन रिएक्शन चाहे एल्केन जो भी दे दो। एक्सपीरियंस, मुझे ये नोट्स कैसे मिले 16 साल के एक्सपीरियंस से। हाँ एलेन खुलना, एलेन अब तो खुलने ही वाला है भाई, देख रहे हो ये मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं, 3,000 आ रहे थे रोज, फिर 2,500 पे आ गया, फिर 2,000 पे आ गया, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वो फुली जल्दी खुल जाए हम लोग। सोलह साल के एक्सपीरियंस में क्या होता है, मेरे सामने से कई AITS में क्वेश्चन बनते रहते हैं, इधर उधर से आते रहते हैं, रिसर्च पेपर में आते रहते हैं, तो मैं देखते रहता हूँ तो मुझे लर्न हो जाता है, तो नोट्स कई चीजें लर्न होती है। एक बेसिक पॉइंट लेता हूँ नोट्स का मैं, उसमें अपने पॉइंट्स डालते जाता हूँ सब क्वेश्चन जो जो कहाँ पे जहाँ पे भी आए हैं, तो एक शानदार वाला नोट्स बन जाता है। हाँ चाइना बैच, चाइना मतलब चैतन्य, एनए मतलब नारायणा, उसमें बच्चे वो है जो 9th क्लास में एचसी वर्मा सॉल्व कर जाते हैं, 10th में हीरोडो सॉल्व कर जाते हैं, 11th 12th केवल क्रोटो और हायर लेवल सॉल्व करते हैं। वहां पढ़ाने के लिए टीचर्स को सैलरी कुछ भी देते हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ भी देने को रेडी होते हैं एक साल का, मगर उन्हें पढ़ाएगा कौन, जिनको हीरोडो ऑलरेडी आता है उसका आगे पढ़ाना है। और चाइना बैच है बट उसमें 1-200 वाले बहुत सारे आते हैं, जैसे अपना कोहिनूर है वैसे उनका चाइना बैच है, बट उसमें एंट्री केवल हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश के लोगों को है और किसी को नहीं। उनको बहुत पहले से पढ़ाते आते रहे, 6th क्लास में 7th-8th का पढ़ा देंगे, 7th क्लास में 9th-10th खत्म करेंगे ऐसे। 33 के बाद कौन सा है? हाँ ये क्लियर हो गया क्या? 19th 35 Select the chain propagation step in the free radical chlorination of the methane. Chain propagation, ये तो मैंने बोला था अच्छे से याद कर लेना, propagate हुआ कैसे? एक free radical तो sunlight ने तोड़ दिया, मान लो एक तोड़ दिया, बट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसको free radical को break करने वाला step कौन कौन सा है? 38 बोला ना तुमने? नहीं 35 हो गया, 35. Among the following free radical formation, select those in which 2° halide is the major product. तो bromination करोगे तो क्या होगा? Cyclohexane पे कहीं पे एक bromine आ जाएगा, और यहाँ Q में जब bromination करोगे तो bromine याद है कि more selective है, lethargic free radical है, जितना heavy होता गया उतना lethargic होते गया,
तो 35 में क्या था कि ब्रोमिनेशन के लिए याद करो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री वाले 81 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और 3 डिग्री वाले 1600 रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब 1600 Br 3 डिग्री को ब्रेक करेंगे, क्यों, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, 81 2 डिग्री को ब्रेक करेंगे, 1 डिग्री जल्दी ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, ये रिलेटिव रेशियो था। तो 35 में देखो 2 डिग्री किसमें मेजर आएगा, पी में तो सब 2 ही डिग्री है, पी में देखोगे तो क्या होगा, ये कहीं से भी ब्रोमिनेशन करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री आएगा, यही होगा ना। और ये ले लो मिथाइल के साथ Br2 के साथ HNO, तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, ये 3 डिग्री पे जाएगा ना, तो यहाँ 3 डिग्री मेजर हो गया, जब 3 डिग्री है तो उसी को ब्रेक करेगा वो। अब तो बता सकते हो, R में बताओ, बेंजीन के साथ इथाइल है तो CH2 पे 2 डिग्री होगा ना, S के साथ देखो CH2 CH3 के साथ क्या होगा, CH के साथ Br और ये हो जाएगा CH3, यही रहेगा ना, क्यों, बेंजाइल आराम से ब्रेक होता है, NBS दोगे तो यहीं पे करता था, वहां पे तो फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होगा लास्ट वाला, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ब्रोमीन ऑलरेडी इतना कम एनर्जेटिक होता है कि उधर ब्रेक नहीं कर सकता। S में बताओ, S में एक 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे चला जाएगा, T में भी 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे चला जाएगा, बट U में क्या होगा, 2 डिग्री है, U में क्या बनेगा मेजर, जब ये लोगे ये 2 डिग्री है ना, यहाँ पे जाएगा तो 2 डिग्री किसमें मेजर होगा, जैसे P में सारे 2 डिग्री है तो 2 डिग्री ही रहेगा, Q में एक 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे चला गया, R में एक 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे चला जाएगा, क्लियर हुआ। तो P हो गया, R हो गया, और किसमें 3 डिग्री नहीं है, S में 3 डिग्री है वो नहीं होगा, T में 3 डिग्री है वो नहीं होगा, U होगा, तो P R N U, हाँ B R इज मोर सिलेक्टिव, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हाईली डिफ्रेंशिएट करता था, 3 डिग्री का प्रोडक्ट मैक्सिमम आता था, वो सोचो कि मेजर प्रोडक्ट किसका था, इसका परसेंट निकालना बताया होगा जो शायद अभी तक कम लोगों को याद होगा, ये जो बनाया जाए CH3C के साथ ये 3 डिग्री बनाया, ये किस रेशियो में बनेगा, 1600 रिएक्टिविटी इनटू ऐसा एक ही एट हो जाना है, प्लस जब तुम ये बनाओगे CH2Br और ये CH के साथ CH3 और CH3, ये 3 ऐसा एट हो जाना और 1, तो ये 3 मोल बना तो उतने देर में इसका 1600 मोल बन जाएगा, तो ये मेजर है ना, एब्सोल्यूट मेजर 9, सॉरी इसका ऐसा 9 होगा, इसका परसेंट निकालोगे तो कितना होगा, 9 आउट ऑफ टोटल 9 प्लस 1600, एक तो परसेंट वाला आना ही है, इतना होगा करीब करीब 0.5% वगैरह कुछ पड़ेगा, 16 का हाफ 8 होता है तो हाफ से ज्यादा 0.6 वगैरह, क्लियर हुआ। और 99% इधर बनेगा प्रोडक्ट, ये कितना हो गया करीब 99.5%। तो ब्रोमिनेशन में मेजर कौन सा होगा, जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्लोरीनेशन में तुम्हें निकालना पड़ता था हर बार, फ्लोरीन तो बिल्कुल इक्वली चल जाता था हर जगह, वो भी एक्सप्लोड कर जाता था, फ्लोरीनेशन एल्कीन के साथ करो चाहे एल्केन के साथ करो एक्सप्लोड कर जाएगा। 35 क्लियर हुआ, तो 2 डिग्री मेजर कहां पे होगा, जैसे पी में केवल 2 डिग्री है तो 2 डिग्री ही बनना था, क्यू में एक 3 डिग्री है 2 डिग्री तो बिल्कुल नहीं बनेगा, जो बनेगा सब 3 डिग्री, R में बेंजाइल 2 डिग्री होता तो वहां बनेगा, S में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों है तो 3 डिग्री ही मेजर होगा ना, T में क्या है 2 डिग्री और 3 डिग्री तो 3 डिग्री ही मेजर जाएगा, मतलब 3 डिग्री है तो 3 डिग्री को मेजर कर दो, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो 2 डिग्री को मेजर कर दो, क्लियर है। S का नहीं समझ में आया, S क्या था, S में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है,
तो मेजर कहां पे जाएगा? 3 डिग्री की सिलेक्टिविटी तो देखो 1600 है, 3 डिग्री ही मेजर होगा ना, और वो तो मैंने परसेंट निकालना भी बताया था कितना परसेंट होगा। तो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन आराम से ब्रेक होगा। आर में बेंजाइल ही ज्यादा था, ब्रोमिनेशन करोगे तो बेंजाइल का फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या थी? ज्यादा थी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी लोएस्ट होती थी। मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन क्या होता है? मोर सेलेक्टिव। किसको ब्रेक करेगा? वो जो जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ना, ये बेंजाइल अलाइल 3 डिग्री, तब 2 डिग्री और तब 1 डिग्री की ओर जाता था, ऐसे था। क्लियर ना? बेंजाइल अलाइल 3 डिग्री, तो इसकी तो रिएक्टिविटी है ये 1600 टाइम्स रिएक्टिव है, ये 82 टाइम्स रिएक्टिव है, ये 1। तो जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री मेजर होगा। जो 1 और 2 डिग्री केवल होता है, 2 डिग्री होगा। जैसे तुम ब्यूटेन ले लोगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ब्यूटेन लोगे तो 2 डिग्री मेजर होगा, ऐसे इस साइड मेजर जाएगा, वो ये मेजर की ओर जाएगा। क्लियर हुआ ना? 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं होगा, बट 1, 2 और 3 रहे जैसे इस केस में, तो यहां पे मेजर आएगा, तब वो प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे भी आ 3 डिग्री मेजर। क्लियर हुआ? 2 डिग्री 3 डिग्री। और जब बेंजाइल ले लोगे, एनबीएस वाला एक क्वेश्चन बताया था कि आते रहेगा कि यहाँ पे ब्रोमीन डाल देना, क्योंकि फ्री रेडिकल कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है? बेंजाइल, तो यहीं पे अटैक करेगा सीएच के साथ बीआर और CH3। अभी ऐसा ले लिया जाए तो हर जगह सिमेट्रिकल है, तो 2 डिग्री पे अटैक करेगा, बट ऐसा ले लोगे तुम एक 3 डिग्री पड़ गया ना, तो वो यहीं पे अटैक कर जाएगा, फिर 3 डिग्री पे, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे फेड होगा। अभी क्लियर हुआ? 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। देखो 50 में क्या होगा? एनए के साथ ड्राई इथर दे दो, डज नॉट रिप्रेजेंट द मेजर प्रोडक्ट। हाँ, तो इंट्रा मॉलिकुलर होगा ए में, 50 का है देखो, तो दोनों बीआर हटा के बीच में बॉन्ड बना दोगे, यही होगा ना? और यहां पे भी बीआरसीएल हटा के बना सकते हो, वो भी चलेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा? तो डी का तो कोई चांस ही नहीं है ना, डी में वो तो सीधे दिख रहा है कि नहीं होगा, वो कहां पर आ सकता है ब्रोमीन? वो नोट्स में है, डी वाला आते रहता है वो, जब ऐसे रहेगा ना ये बीआर और सीएल, ये दोनों को हटाना था यहां से, और ये बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी ये बाईसाइक्लो बन जाएगा, बाईसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन, ऐसे बनेगा ना, डबल बॉन्ड बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा, लेवल 2 का ए क्वेश्चन, लेवल 2 का ए, 2 कौन सा था? लेवल 2 तो यहाँ पे एल्केन, अच्छा ये सारे पैसेज ही थे इसमें, राइट? ये
पैसेज टू पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही टेबल है 1682153.1, वो तो मालूम है तुम्हें, इसके ए पे जाओ। वन हेलो 2-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन विल बी ऑब्टेंड इन बेटर यील्ड इफ हैलोजन इज वन हेलो, मतलब किससे लोगे ये फॉर्म होगा, सोचो ये तुम्हें बेटर यील्ड में चाहिए ना, 3% चाहिए। ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन है वन हेलो 2-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 2-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बात तो है कि फ्लोरीन तो एक्सप्लोसिव होता था, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो सीधे बर्न कर देगा एल्केन एल्कीन को। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात होगी, आयोडिनेशन तो था ही नहीं के लिस्ट में, रिवर्सिबल याद है ना, एंड एंडोथर्मिक, तो दो बच गया। तो अब इसमें इसका तुम्हें परसेंट बताना रहे, यहाँ पे क्लोरीन का तो परसेंट क्या होगा, ये और ये और ये सब सेम पड़ जाएंगे, और ये दो कार्बन एक जैसे हैं, तो क्लोरीन कहीं पे भी डालो ये चारों में एक जैसे पड़ेंगे, तो इसकी रिएक्टिविटी होगी 12 × 1। और दूसरा तुम ये बनाना चाहते, यहाँ पर क्लोरीन ना ना बताता, तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाती ऐसा कितना है, दो हाइड्रोजन है और रिएक्टिविटी कितना है 3.8 7.6, तो इस रिलेटिव रेशियो में फॉर्म होगा, ये क्या हो गया रिलेटिव रेशियो 12:7.6, तो इसका परसेंट कितना होगा 12 / 12 + 7.6 × 100, और इसका परसेंट कितना होगा 7.6 / 12 + 7.6 × 100 परसेंट। तो मेजर क्या हो गया, इसमें वन क्लोरो वाला ही मेजर होगा, यही होगा ना। अब ब्रोमिनेशन रहता तो क्या करते, दोनों का परसेंट बता दोगे ना फॉर ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन पहले का परसेंट चला जाता 12, दूसरे का 12 प्लस दूसरे का कितना हो जाता, ये या 2 × जो 3.8 है इसके जगह 82 आ जाता, 2 × 82, तो ये कितना हो जाएगा 164। मेजर तो 2 डिग्री पड़ गया ना, तो ब्रोमिनेशन ले हुआ, तो यहाँ पे एक 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री मेजर होगा, और यहाँ पे ये मेजर है, तो क्लोरीनेशन के लिए ये मेजर फॉर क्लोरीनेशन ये मेजर हो गया, और फॉर ब्रोमिनेशन ये मेजर हो गया। तो पूछा है किसको मेजर, ये मेजर किसके केस में होगा, तो क्लोरीनेशन के टर्म में होगा ना, क्लोरीनेशन में इसका 12 मोल बना पहले वाले का, तो दूसरे वाले का 7.6 मोल बना, बट ब्रोमिनेशन में क्या होगा, पहले का 12 मोल बना तो दूसरे का 2 × 82 164 मोल बना, तो ब्रोमिनेशन के लिए क्या हो गया, ये 12 तो ये 164, तो ये मेजर है ना, 164 मेजर विथ रेस्पेक्ट टू 12, क्लियर। हाँ परसेंट, परसेंट भी पूछ सकता हो तुमसे, इसी क्वेश्चन को बोलेगा परसेंट बताओ, तो परसेंट आना चाहिए, टू का बी पार्ट भी है क्या, अच्छा है तो पैसे था तो हो सकता, तो टू के बी पार्ट में क्या है, CH3 के साथ, हाँ 3 डिग्री ब्रोमीन के लिए है, उसका रेशियो भी बता सकते हो, 3 डिग्री के लिए डायरेक्ट 1600 × 1 हाइड्रोजन, तो 1600 मोल कहाँ बन पाता, बाकी सब तो कम ही बनेंगे ना, रिएक्टिविटी कम है। तो ब्रोमिनेशन 3 डिग्री पे मेजर है, डायरेक्ट रिएक्टिविटी 1600 पहुंचा रहा था, देन 82 देन 1। हाँ बोलो नेक्स्ट, अच्छा बी डाउट नहीं है,
नहीं अपन का डाउट था कि टू का बी होगा कि शायद, हाँ टू का बी होगा। नेक्स्ट बताओ कौन सा है क्वेश्चन नंबर। फोर्टी सेवन। अच्छा लेवल वन। पीएस CH2 CH2 बीआर और एच न्यू दे दो, तो बीआर और एच न्यू दोगे तो ब्रोमिनेशन कहां पर आने वाला है मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजाइल पे ना, तो बेंजाइल पे तुम एक बीआर लोगे। देखो ये हो गया था 47। यहाँ पे अभी बताया था कि जब बेंजाइल हो तो बाकी सबका तो कोई चांस ही नहीं बनने का, वो 0.1% 0.2% ऐसा हो जाएगा, 1% भी नहीं पहुंच पा रहा ना 1 डिग्री 2 डिग्री। अब ये क्या होगा, यहीं पे भी आर आएगा, तो जब यहाँ पे भी आर आएगा तो ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, बेंजाइलिक को ही हटाना था, क्लियर ना? तो CH3 के साथ CH3 हो गया, ये तो सेम फॉर्म हो गया, तो इसका जो फॉर्म है वो तो मेंटेन रहेगा, ये आर था तो आर, एस तो एस, ऐसे होगा ना। बट यहाँ पर जो होगा इसका दोनों फॉर्म होगा, तो मान लो इसका आर एस ले लो और ये कोई एक फॉर्म है आर है, तो तुम्हें दो फॉर्म मिल गया, आर आर एंड एक एस आर, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, डाइस्टीरियोमर्स ना, मतलब दूसरे फॉर्म को तुम्हें चेंज नहीं करना। तो इसको कैसे लिखोगे, एक हो गया पीएच, ऐसे लिखता हूँ इसमें समझ में आ जाएगा, एच पी आर, और सी के साथ मान लो एक एच ऐसे था डी ऐसे था, तो इसका जो फॉर्म था एज इट इज मेंटेन करो, सी एच डी के साथ मिथाइल। दूसरे में जब तुम करोगे तो ये पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहला क्वेश्चन बताया मैंने, ये जैसे है वैसे रखना है इसको, ये दोनों में एक जैसा रखना है सेम, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे बी आर इस पर लेफ्ट रखो, एच राइट और पी एच, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है ना, ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज है, नीचे वाला नहीं है, ये दोनों क्या कहलाते थे, डाइस्टीरियोमर्स ना। जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया वैसे ही है, ये दोनों वाला ऊपर वाला पार्ट क्या है, मिरर इमेज। ओके डन 47 को ना, 6 का ही लेवल 2। लेवल 2 में जाओ क्वेश्चन नंबर 6, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6 का ए पे जाओ। अब इसमें देखो ये सब पोजीशन सिमेट्रिकल है, ये और ये, कहीं भी ब्रोमीन डालो एक ही प्रोडक्ट कहलाएगा, सिमेट्रिकल पोजीशन ना, और ये दो पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो तुम्हें ब्रोमीन देना है तो दो ही पोजीशन पर दे सकते हो, ये चारों में से कोई एक या उधर, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा यदि तुमने ये चारों में से एक, ये चारों में से कोई भी ले लो सिमेट्रिकल पोजीशन निकल आएगा, तुमने एक ब्रोमीन यहां पर ले लिया तो ये काइरल कार्बन है क्या, ब्रोमीन हाइड्रोजन, हाँ ये काइरल कार्बन हो जाएगा ना, ये ब्रोमीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये काइरल है, ये दोनों क्या हो गए, अप और डाउन कर दो तो इसका दो प्रोडक्ट होगा, इसमें हो जाएगा एक डीएनएल, ये और इसका मिरर इमेज है ना, और एक प्रोडक्ट में जब तुम इधर जाओगे इस साइड ब्रोमीन ले लो तो ये काइरल नहीं, ये तो काइरल नहीं अकाइरल है ना, इसमें एक प्रोडक्ट होगा, तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, इसमें 3 प्रोडक्ट्स विल बी देयर, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ए में कितना हो गया, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो मत लिखो तो 2 है, और स्टीरियो को इंक्लूड कर दो तो 3 हो गया, स्ट्रक्चरल 2 है,
रोबिन फर्स्ट और ये दो ही प्रोडक्ट हो गए, मतलब टू स्ट्रक्चरल, और स्टीरियो इंक्लूड कर दो तो थ्री हो गया। अबे डन डाउट अच्छा तुम ये बोलो कि कॉर्नर में एक बीआर डाल दिया गया तो यहाँ पे बीच वाला भी काइरल हो जाएगा। वेदांत का डाउट ये है कि यहां भी तो हाइड्रोजन है, ये भी काइरल हो जाएगा। नहीं इसको कायरल नहीं ले पाओगे तुम, ये बाईसाइक्लो है ना, बाईसाइक्लो होगा तो इसमें हाइड्रोजन का कोई एक ही पोजीशन फिजिबल है, दूसरा नहीं, ये स्ट्रिक्टली रिजिड है, ये दूसरे साइड नहीं जा सकता है, कोई एक ही फॉर्म होगा। ब्रोमीन दूसरे साइड पे डाल दे तो कहां पे यूज करो लिखो, यहां पे मैंने स्क्रीन ऑन किया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन पड़ गया, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये कहीं आए नहीं अभी तक, ये जो बाईसाइकिल होगा तो क्या करेंगे, रिजिड है तो इसको आरएस नहीं लेंगे। कहां पर ब्रोमीन करना है? हाँ वेदांत लिखो, वो ड्रॉ करो इस पे। अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो तुम क्या बोल रहे हो, ब्रोमीन दूसरे साइड पे डाल दिया तो क्या होगा, दूसरा साइड कौन सा होगा, तुम डाइब्रोमो की बात कर रहे हो? डाइब्रोमो लेफ्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब सेम पोजीशन है, सिमेट्रिकल, जैसे नियोपेंटेन आया था ना अभी, कहीं भी डालो वो एक ही प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे ये क्वेश्चन था इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये सारे मिथाइल एक ही काउंट होंगे, सिमेट्रिकल है ना, कहीं भी पुट करो वन प्रोडक्ट। उसी तरह ये जो मैंने बताया कि लेफ्ट या राइट कहीं भी ब्रोमीन डाल दो सब एक ही कहलाएंगे। तो ये जितने सिंगल साइन मारे हैं वो एक प्रोडक्ट हो गए। तो ये साइड ये चारों मिला के क्या हो गया, सिमेट्रिकल, तो ये एक ही काउंट होगा, और ये बीच वाला जो हो गया ये मिला के हो गया सिमेट्रिकल, तो ये भी दूसरा साइट हो गया, तो टोटल दो ही है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके और बताओ कौन सा,
हाँ उधर भी ऐसे ही चला जाएगा वो। थर्टीन लेवल टू, लेवल टू पे जा, लेवल टू ही तो चल रहा था। थर्टीन टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट, ये तो नोट्स में भी है, नहीं हुआ किसका था लास्ट क्वेश्चन एल्केन का अनुराग। अच्छा नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चन पिछले बार भी किसने पूछा था, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आंसर रॉन्ग या कुछ तो है, याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ बताया था पिछले साल किसी ने पूछा था, देखते हैं अभी क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कुछ तो था इसका। CH2, 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 CH3 आंसर आ जा रहा है। हाँ तो H2 डाइक्लोरो है तो नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट नहीं आ रहा। ओके तो देखो CH2Cl पहले में ये क्लोरीन हटा दिया है, ये H और Cl को चेंज नहीं करोगे है ना, यहाँ ब्यूटाइल हो गया, ये हो गया काइरल कार्बन, तो ये जो S था ये S ही रखोगे, इसका दूसरा फॉर्म नहीं रख सकते, ये जो फॉर्म है वो फॉर्म रिटेन रहेगा है ना, तो इसमें जो पहले से फॉर्म था वही रह गया ना, और कोई फॉर्म इसमें ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्या, नहीं, इसका एक ही प्रोडक्ट होगा, ये काउंट होगा वन प्रोडक्ट। दूसरे पे जाओगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना जो आते रहता है, यहाँ पे एच के जगह सी एल हटा दो, तो ये ब्यूटाइल, इसमें कोई काइरल नहीं, तो ये भी वन प्रोडक्ट, और यहाँ पे CH3 रखा थर्ड कार्बन पे चले जाए एच के साथ सी एल, थर्ड पे जाओगे तो एक बार एच के साथ सी एल इधर, दूसरे बार उल्टा साइड, और ये बाकी क्या बच जाएगा, एक कार्बन लिया ना तो प्रोपाइल बच जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये एच के साथ सी एल, ऊपर वाले को फिक्स रखना है एच और सी एल, यहाँ चेंज कर सकते हो के साथ प्रोपाइल, ये दोनों क्या होंगे डाइस्टीरियोमर्स ना, ये दो प्रोडक्ट होंगे राइट, और CH3 के साथ ये फिक्स रखना है एच और सी एल। अब यहां पे ये CH2 रखा, फिर यहां पे एच के साथ सी एल, और यहाँ पे इथाइल बच गया, और एक बार इसका मिरर इमेज वो क्या होगा CH3, ये एच और सी एल फिक्स रहेगा CH2, और यहाँ पे क्या होगा इस पर उल्टा सी एल इधर एच इधर इथाइल, तो इसमें भी ये दोनों अलग अलग आ गए है ना डायस्टेरियोमर्स जो पड़ गया। अगले में जाओगे CH3 के साथ एच के साथ सी एल, बीच में क्या होगा CH2 CH2, अब इस पोजिशन पे चेंज करो एच के साथ सी एल, और यहाँ पे CH3 के साथ, अच्छा डाउट है एक मिनट ये लिख देता हूँ, HCl CH2 CH2 के साथ CLH के साथ मिथाइल, क्या डाउट है, हाँ मेनी कॉम्बिनेशन, तो यहां भी दो हो गया, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो आ चुका है ना, 8 तक तो आ गया, एक और लास्ट वाले पे चले जाओ। हाँ एक लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन पे क्या होगा, इधर कहीं लिख देता हूँ स्पेस नहीं है तो, CH3 H के साथ Cl, CH2 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 के साथ CH2 Cl, ये भी एक हो गया, तो टोटल 9 आ रहा है ना, 7 8 9, हाँ नीचे वाले में एच और सी एल लेफ्ट राइट करते चले जाओ, एक बार सी एल राइट एक बार सी एल लेफ्ट राइट, फिर सी एल राइट फिर सी एल लेफ्ट, ऐसे होते जाएगा। सेकंड वाले में दूसरा कार्बन भी तो है, हाइड्रोजन कौन कौन सा रिप्लेस हो सकता है वो बताओ, पहले सर्च करो हाइड्रोजन रिप्लेस करने वाले कौन सा, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ, चौथा ये हाइड्रोजन, पांचवा ये, छठा ये 6 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो तुम,
ये सब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं. तुमने गलती से एक भी मिस किया तो 8 बना लिया, 9 के चक्कर में मार्क्स गया, बट ये विद द प्रैक्टिस ठीक होते जाता है, इसको कुछ नहीं कर सकता कोई. ओके ठीक है, नेक्स्ट बताओ. एल्केन डन. डाउट्स लिखा था मैंने, रुको. फाइंडिंग द स्ट्रक्चर विथ ओजोन लिस्ट. अच्छा हाँ, एक शिवम ने भी भेजा था, वो सब कर देता हूँ. रुको, 2-3 क्वेश्चन और है. नेक्स्ट लेक्चर में एल्किन पूरा करके नहीं हुआ अभी तक. एल्किन पूरा नहीं हुआ है अपन. बुकलेट हुआ, बुकलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ऐसे है कि अभी मैं ले रहा था लीडर और इंथ्यूज बैच का, सबका सबका रॉन्ग आ रहा था. भले वो लोग का परसेंटाइल 99.5 है, 99.6 है इंथ्यूज और लीडर का, तो उन लोगों ने एमएस चौहान नहीं किया है, तो उनसे आंसर रॉन्ग हो जा रहा है. पूरे बैच में एक ही बच्चा था जो आंसर कर पा रहा था, बाकी सबका रॉन्ग हो रहा था. इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी नहीं होगा, सबका आईआईटी होने वाला, सब 99.5% से ऊपर है. एमएस चौहान के कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट वीक पड़ा हुआ, उसके लिए अपना बुकलेट काफी है. हाँ, बट टॉप 1-200 रैंक चाहिए तो एमएस चौहान चाहिए तुम्हें. अरे 230, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया. तो थोड़ा सा आगे वाले भी है, मतलब ये एलकेएन वाली क्वेश्चन मैंने दिए थे एमएस चौहान से कुछ कुछ, तो सबके रॉन्ग, सबके सबके रॉन्ग, पूरे पूरे बैच का सब बताओ. 99% से ऊपर तो 14-15 बच्चे हैं, फिर भी रॉन्ग होता है सबका. वो भी नहीं, ये नहीं कि एक रॉन्ग हो रहा है, पूरा पूरा रॉन्ग हो रहा है. हाँ 99% मतलब तुम्हें टॉप 10,000 रैंक में आ गया, तो आईटी में चले जाओगे. क्यों, 10,000 में बहुत बच्चे एनआईटीज में चले जाते हैं. जिसका रैंक 3,000, 4,000, 5,000 आया, वो त्रिची वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, क्यों नहीं जाएगा वो. तो जो 2-3 हजार रैंक है वो भी छोड़ देते हैं. 2-3 हजार रैंक वाले मिश्रा तक में चले जाते हैं, कंप्यूटर साइंस मिलता है तो बिट्स में. कई लोगों को ब्रांच चाहिए तो वो आईटी छोड़ के निकल जाते हैं फिर एनआईटीज में. बट मेरा प्रेफरेंस रहता है कि भाई आईटी प्रेफर करो. अच्छा, क्योंकि मैंने यही गलती की थी, वो सही रहता है. आईटी ले लो भले बैक ही सही. ओके बताओ नेक्स्ट क्या. हाँ ये कुछ डाउट्स ने पूछा था, अच्छे थे वो, देख लेते पहले. इसके बाद कंसेप्चुअल डाउट भी कर लेते हैं जो भी है. अच्छा हाँ, नोट्स में एक पॉइंट रॉन्ग दिया हुआ है. क्लोरीनेशन ऑफ एल्किन डज नॉट फॉर्म साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, हेंस फ्री C+ इज फॉर्म विच कैन रीअरेंज. जबकि किसी बुक को देखो तो उसमें दिया हुआ कि क्लोरोनियम साइक्लिक क्लोरोनियम आयन ही बनता है और विच कैन नॉट बी रीअरेंज्ड. जैसे कि एल्कीन में जाओ, क्लोरोनियम आयन, कभी ये नहीं होता कि कोटा में जो पढ़ा दिया गया सही है. मेरे नोट्स रहते तो और अच्छे से. मुझे तो CH3 वो कभी नहीं कभी दे दूंगा मैं तुम लोग को, वो नोट्स मिल ही जाएगा. CH2 के साथ जब क्लोरीनेशन करोगे तो यहाँ पे Cl+ आ गया, तो मान लो अटैक किया तो ये कार्बोकैटायन बनेगा जरूर, वो सही है, बट ये साइक्लिक क्लोरोनियम आयन ही बनता है. उससे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना, तो रीअरेंज होके कहीं और क्यों जाए ऐसे. देन H2 आके ऐसे अटैक करता है, कैन नॉट बी रीअरेंज, वो लिख दो, नो रीअरेंजमेंट. इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट आता ही नहीं, एंटी आता है.
ओएच और सीएल एक दूसरे का अपोजिट होगा। साइक्लिक पता नहीं ऐसे क्यों लिखा, बट तुम कोई बुक चेक करो तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन ही बनाएगा एंड नो रीअरेंजमेंट। ये क्या था, मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ OH माइनस एंड CL प्लस, ऐसे करना था। थोड़ा नोट्स को करेक्ट कर देंगे। फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन में क्या होता है, फ्लोरीन को तुम एल्केन दे दे रहो, घी दे दे रहो, फैट सैचुरेटेड, एक्सप्लोड कर देगा। तो एल्कीन तो ऑयल है, ऑयल का तो और कम जल्दी होगा ना, ऑयल में पाई बॉन्ड है, तुरंत ब्रेक होगा। तो फ्लोरीन डालोगे तो वो ऐसे ही एक्सप्लोड हो जाएगा। हाँ दिया हुआ बट कहीं ना कहीं रॉन्ग है, किसी बुक में चेक करो तुम, सोलोमन उठा लो या फिर वार्डन वॉसन हटा दो, तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बना रहे हो। एल्कीन पे जो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन था, क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन, और दूसरा था एक प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस वाला, आर सी आर डैश और यहाँ पे आर और एच है, फाइंड द नंबर ऑफ ओजोनाइट्स, आर आर इधर आर डैश एच है, तो ये स्किप कर सकते हो। ये उन्होंने बताया सही है बट उतना मैकेनिज्म तुम्हें नहीं पढ़ना, वो आई टी जेई सिलेबस से बाहर चला गया। फिर भी तुम लोग के लिए मैं बता देता हूँ क्या है, ये आर है एच है, नंबर ऑफ ओजोनाइट्स। तो एक्चुअली वो बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और जब आपस में ही आएंगे ओजोनाइट तो ऐसा भी आ सकता है कि ओजोन यहाँ पे ओजोन के साथ आ जाए और ये आर और आर डैश ही आपस में कंबाइन कर दे, मतलब ये बीच वाला बॉन्ड जो होता है ना ये बिल्कुल ब्रेकिंग में जाता है, फिर एक दूसरे पार्ट से भी ब्रेक कर सके। ओजोनाइट अपने मिरर इमेज से कंबाइन कर रहे हैं या आर सी डबल बॉन्ड सी एक खुद जो था आर और एच से कंबाइन कर रहे हैं या फिर आर एच वाला पार्ट, राइट साइड वाला आर एच वाला पार्ट खुद से कंबाइन कर रहे हैं। तो ये इतने तरह के मोनोअजेनाइट बनेंगे बट ये आउट ऑफ सिलेबस में बता रहा हूं कि इसका किसी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि इतना तक नहीं पढ़ना। हुआ क्या कि ये लेफ्ट साइड वाला जो हो गया ना ये ब्रेक कर दो, ये अपने मिरर इमेज से कंबाइन करके मोनोअजेनाइट बन जाए, ये आरसीएच वाला अपने मिरर इमेज से कंबाइन करके मोनोअजेनाइट ओजोनाइट बन जाए ऐसा, और ये दोनों आपस में ओजोनाइट बन जाए, मतलब वन विथ वन, टू विथ टू, वन विथ टू ऐसा। तो टोटल ओजोनाइट का स्ट्रक्चर पूछा जाए कितना होगा, तो तुम्हें यह बताना है कि पहले में कितना होगा, तब तो ये काइरालिटी पे आ गई ना बात। तो ये क्या होगा, ये साइक्लिक एक कंपाउंड है, साइक्लोपेंटेन की तरह कंपाउंड है ना, और यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये काइरल है और ये काइरल है, तो इसका कितना होगा, टू रेस टू टू, फोर ना, याद है ये कंसेप्ट ऐसे है, जैसे यहाँ पे हो गया मिथाइल और ये सॉरी ये नहीं ऐसा नहीं, एक मिथाइल और यहाँ पे एक मिथाइल, इसका टोटल कितना था, सिस लोगे ट्रांस लोगे, यही होगा ना, सिस भी एक्टिव नहीं है यहाँ पर, तो सिस ट्रांस एक्टिव ही नहीं होगा। एम ई के साथ मिथाइल है, एक सियाल ले लो, एक काम करो इसको इथाइल ले लो, ठीक है, एक सिस ट्रांस की तरह होगा, सिस ट्रांस की जगह जेड रखो, ई और जेड ऐसे ना, ई में भी दो प्रोडक्ट डीएल, जेड में भी दो प्रोडक्ट डीएल, टोटल फोर आया था, ये याद है सबको। मिथाइल इथाइल यदि 1-3 पोजिशन या 1-2 पोजिशन पे हो तो डायरेक्ट 2:2, मतलब 4 प्रोडक्ट, कैसे, मिथाइल इथाइल दोनों कॉपी से बाहर ले लो, दोनों हाइड्रोजन कॉपी के नीचे, तो वो और उसका मिरर इमेज, और एक में मिथाइल इथाइल ऊपर नीचे ले लो, वो और उसका मिरर इमेज, क्लियर। तो यहां पे भी क्या हो गया, आर सी आर डैश दो अलग अलग है ना, ये और ये, तो ये इतना हो जाएगा। इसमें क्या होगा सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले का रिलेटिव केस बताऊं मैं, वो आते रहता है आइसोमेरिज्म में, वो क्वेश्चन क्या था,
ये मिथाइल यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, कितने आइसोमर्स बनेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, सिंगल ही है, ये एक मिथाइल है, नंबर ऑफ आइसोमर्स सिमेट्रिकल वाला है ना, तो थ्री था, याद करो, एस एस, तो सिस तो मिजो होगा, और ट्रांस उसमें क्या होगा, डीएनएल, तो टोटल थ्री थे, इसमें थ्री होंगे ना, उसी तरह सिमेट्रिकल वाला है, इसको आरसी आर डेस वाला लिया था, आरसीएस ले लो, सिमेट्रिकल वाला ले लो, इसमें थ्री प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, थ्री प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस ओजोनाइड के कितने हो फॉर्म बनेंगे, ऐसा ओजोनाइड होगा तो थ्री होगा, और जब ये फिर से ये अलग अलग हो गया, ये और ये आर सी आर डेस या आर एस दोनों अलग आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट टू रेस टू टू, इसका फोर होगा, फोर प्लस थ्री प्लस, इस तरह से दिया होगा कुछ। सिमेट्रिकल वाले में थ्री, तो सिमेट्रिकल तो दो बना था ना, आरसी आर डेस, ये ऊपर वाले में इसका तो बताया ही नहीं अभी, ये जो होगा ये भी सिमेट्रिकल वाला था, इसमें थ्री, ये सिमेट्रिकल वाले में टोटल कितना था, थ्री, ये क्वेश्चन आता है तुम्हें, ये तो यहाँ पे आर सी आर डेस, उधर भी आर सी आर डेस, ये दोनों सिमेट्रिकल वाले थे, थ्री, आर सी एच के साथ आर सी एच सिमेट्रिकल वाले, थ्री, और यहाँ पे ये अपोजिट वाले हैं, तो फोर, जैसे इसमें फोर था, तो ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं मिलेगा, एमएस ऑन एडवांस लेवल, बट नहीं मिलेगा कहीं पे भी आज तक एआईटीएस में नहीं मिला। ओके, इसलिए मैंने बताया नहीं था, वो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन, हाँ अल्काइन में एक पार्ट है ना, ओजोनोलिसिस ऑफ एसिटिलीन कभी नहीं पूछा जाता, ओजोनोलिसिस ऑफ एसिटिलीन ढूंढो, अच्छा इसमें कुछ डाउट भेजा था नहीं, एसिटिलीन एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका ओजोनोलिसिस के साथ जेड एन एस टू दे तो ठीक है, तब तो जो है वो कर दोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बट इसी को ओ थ्री और एच टू ओ दे दिया जाए तो टोटल फाइव प्रोडक्ट्स होते हैं, ये रिसर्च पेपर में आता है, तो तुम्हें कभी आईटी में नहीं आएगा, ये रिसर्च अभी भी चलता है कि इतना सब क्यों मना कैसे हुआ, एसिटिलीन ओजोनोलिसिस ऑफ एसिटिलीन देखोगे तो रिसर्च पेपर तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ में, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन जा रहे हैं, कुछ फॉर्मल्डिहाइड भी बन रहा है, अभी तक चल ही रहा है, फॉर्मल्डिहाइड कैसे आ गया, फॉर्मिक एसिड कैसे हो गया, कुछ ये हो गया सीओएच सीओएच, एनाऑक्सैलिक भी आ गया, कुछ ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, अलग अलग कई तरह के प्रोडक्ट, ये नहीं पूछते कभी, तो जो दूसरा दिया ना एसिटिलीन के साथ H2O ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक, वहां पे लिख दो टोटल फाइव प्रोडक्ट्स, तो वो कभी नहीं पूछा जाता है, क्यों, अभी तक रिसर्च चल रहा है उसमें, बाकी सब पूछ लेते हैं, बाकी सब जैसे होगा ना, ये एसिटिलीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं पूछेंगे, ये सब पूछ लेंगे, CH3 के साथ क्या एल्काइन ले रहे थे ना हम लोग, एल्काइन के साथ ये ऐसा सिंपल वाला CH3CO फिर COCH3 ऐसे हो जाता है, जो पेरोक्साइड आएगा तो बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करके दोनों एसिड बन जाते हैं, ये पूछेगा तुमसे, तो ओजोनोलिसिस ऑफ एसिटिलीन में जो दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड बना, सिर्फ ऑक्सैलिक नहीं बनेगा, वहां पर लिख दो फोर मोर प्रोडक्ट्स, इसलिए वो नहीं पूछा जाता एसिटिलीन का, और जेड एन एस टू वो पूछ लेगा, वो ओके एल्कोहलिक क्यूएच के साथ मैकेनिज्म तुम पूछ रहे थे, उसकी भी जरूरत नहीं है, लिव है ना, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ बस इतना याद कर लो, वन एल्काइन का टू एल्काइन हो गया एनएफ है, टू एल्काइन का वन एल्काइन हो गया एनएफ है, और कुछ नहीं आने वाला, उसका मैकेनिज्म तुम्हें कई बुक में मिलेगा ही नहीं, सोलोमन वगैरह तक में नहीं है, तो आईआईटी में नहीं आता है, कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे सब चीज पे देखता हो, ओजोनोलिसिस पे भी बहुत देखता हो, बट अब वो तुम्हें मिलेगा, बट वो आईएएस के एग्जाम वगैरह में, हम लोग का काम है ऑर्गेनिक थोड़ा सा पढ़ना, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, तो खुद इनफाइनाइट है।
जो जो मैंने बोला था कि इसका क्वेश्चन कर लेना, बस वही होगा। हाँ ये भी कर सकते हो, तुमने मुझे केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज का डाउट पूछा है ना, इससे तो डाउट कम आ पाएगा, मुझे सॉल्यूशन बना के अपलोड करना चाहिए, ऐसा होगा। ओके वेदांत ने भेजा C2H5 4NOH, इसको हीट करोगे सेवेंथ में तो क्या बनेगी तुम्हारा ये एल्कीन हो जाता है ना, तो ये जो हो गया C2H5 4NOH ये E1CB है, हॉफमैन एलिमिनेशन याद करो, C2H5 and C2H5 CH2 CH2H or C2H5, इसको OH- से स्टेप करो तो ये N plus SR2 plus फ्लोरीन E1CB था, ये पहले बार जाएगा, क्या बन जाएगा कंजुगेट बेस E1CB, कंजुगेट बेस पे क्या होता था फिर ये ब्रेक होके इधर, मतलब इवन ये प्रोपाइल भी रहे ना C3H7O या ये ब्यूटाइल भी रहे तो भी क्या करना था तुम्हें, जो एल्कीन बन रहा है जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन वही बनाना था, तो इथीन बनता था ये वाला पार्ट, मतलब प्रोपीन नहीं बनेगा, प्रोपीन क्यों नहीं बनेगा, हाइड्रोजन लेस एसिडिक होता था, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाए CH3 CH2 CH2 के साथ एन प्लस हो, बाकी दो को एच ही कर देते हैं ठीक है, एच और एच, और यहाँ पे CH2 CH2 H हो, या मान लो एच ना करके मिथाइल भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इधर क्या था, तो OH- माइनस से कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, तो N प्लस वाला क्या था ये प्लस आई पड़ गया, हाइड्रोजन क्या होगा लेस एसिडिक और ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक, ऑलवेज वो इसको हटाएगा, अब आईटी में कई बार आया हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा भूलते हो, तब कंजुगेट बेस इसका बनेगा तो एक्चुअली इथीन बनेगा कि प्रोपीन, वही वो पूछता है इथीन बनेगा क्यों, हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक था तो वहीं से निकलेगा, तो C2H5N4 प्लस था तब तो सब तो सिमेट्रिकल ही है ना, सब C2H5 ही है, तो एच हटा दो इथीन आ जाएगा, करेक्शन कौन से पेज पे, कौन सा पेज किसको बोल रहे हो तुम, अच्छा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, हाँ तो जो कुछ चीजें बाहर की थी वो मैंने बोल दिया था कि छोड़ दो, जैसे ओजोनोलिसिस का ये था नंबर ऑफ ओजोनाइट्स वो नहीं पढ़ना मैकेनिज्म तो उसे लीव कर दो, दूसरा बताया था कि अल्कोहलिक KH और NaNH2 के साथ मैकेनिज्म उसे लीव करो, CHCl3 के साथ सिल्वर का उसने मैकेनिज्म दिया उसको जरूरत ही नहीं है ना, वो सब लीव कर दो, जो जो मैंने पढ़ाया था बस उतना ही रहेगा, हाँ कंसेप्चुअल डाउट कर लेता हूँ, ये कंसेप्ट वाले भेजे थे मैंने, ओके RH का पायरोलिसिस, एल्केन का पायरोलिसिस करोगे तो बताया था ना ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, मेरे नोट्स में लास्ट होगा, पूरे ब्रेक करते जाओ कुछ कुछ फॉर्म होते चला जाएगा जैसे ब्यूटेन को ब्रेक करोगे तो ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन ब्रेक होके प्रोपेन प्रोपीन इथीन सब बन जाएगा, मतलब सारे कार्बन छोटे छोटे बना के कर दो, तो बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बना लेते हैं, All sorts of products are there.
और टेंथ वाला जो है तुम्हारा ब्रेन मैप में भेजा तुमने एल्कीन प्लस सीओ प्लस एस टू, ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में फॉर्माइल डिहाइड सीएचओ का एडिशन होता है, बस अभी तो इतना लंग कर लो सीएचओ ऐड होगा, बट इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या था 2 डिग्री पे सीएचओ। इसका मैकेनिज्म मैंने बोला था कि ये करेंगे एल्डिहाइड चैप्टर में, बट अभी तो समझ में आ भी सकता है, मतलब एल्कीन प्लस सीओ और एच टू रहे, एल्कीन प्लस व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट जो होगा हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, आर एच सी एल पीपीएस थ्री थ्राइस। हाँ अभी कंसेप्चुअल तुम लोग का क्लियर कर देता हूँ, रुक जाओ। विल्किंसन की बात किया ना तुमने, वो रोडियम क्लोराइड होता है, इसके साथ तीन फिनाइल लेते हैं पीपीएसटी, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्पिन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्पिन और रोडियम क्लोराइड है। तो रोडियम पे जो चार्ज होता है वो प्लस वन, ये माइनस वन जीरो, तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए काम करता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, वो भी लेस हिंडर्ड। निकल पीटी पीडी तो सबको रिड्यूस करेगा ना, तो ये जैसे ज्यादा हिंडर्ड होगा तो उसको छोड़ देगा ही। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे भी हिंड्रेंस पढ़ा दो, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एच टू के साथ तुम ये डाल दो आर एच सी एल पी पी एच थ्री थ्राइस, तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी के साथ सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड एज इट इज मेंटेन रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच टू सी एच थ्री, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा वो लेस हिंडर्ड साइड को, नॉट मोर को। देखो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, काम करते हैं ना तुम लोग क्वेश्चंस भेजो, मैं उसे सॉल्यूशन बनाकर पहले तुम लोग को भेज देता हूँ ग्रुप पे, जो क्वेश्चन होगा उसे देख लो, उसके बाद कल के डाउट्स में इजी रहेगा कि सॉल्यूशन के बाद भी क्या नहीं समझ में आया। हाँ कंसेप्चुअल डाउट्स बता देता हूँ अभी, रुक जाओ अभी वही कर लेते हैं, इतना तो हो गया ना। व्हाट्सएप पे डाउट भेजा है वेदांत ने, ठीक है वो तो कर दिया ना, कंसेप्चुअल डाउट्स अभी लेता हूँ। विल्किंसन बता दिया, अथर्व ने पूछा है एल्कीन्स के डाउट, केमिकल काइनेटिक्स का नोट्स का भी लास्ट थ्री पेज भी नहीं समझ में आया, केमिकल काइनेटिक्स का नोट्स का लास्ट थ्री पेज, हाँ वो अवॉइड करना था, वो जो जेड एस आर और ये सब करके दिया हुआ था, उसके बिना भी बुकलेट पूरा हो गया होगा, उसके बिना भी एमएस चौहान पूरा हो गया होगा। एल्केन्स का डाउट क्लियर हो गया, ठीक है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पूरा समझाना है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल ये बोल रहे तुम लोग, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी तो क्वेश्चंस वाले डाउट है तुम लोग को, तो जो भी क्वेश्चंस वाले डाउट है मुझे भेजो, बेटर मैं क्या करता हूँ कि उसको क्वेश्चन लिख के आंसर लिख देता हूँ पेजेस पे और उसका फोटो खींच के भेज देता हूँ, तो जिसके भी डाउट है क्लियर सबके हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर करके मुश्किल होगा, फिर कल के लेक्चर में जो नहीं समझ में आया होगा उस सॉल्यूशन से भी वो पूछ सकते हो, अभी कंसेप्ट में जो डाउट है वो कर लेते हैं, ओके। तो जिसको कंसेप्चुअल डाउट बचा हुआ वो पूछते जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ ये अपन कौन सा पिछले बार ग्रुप में बताओ, सिक्वेंशियल नहीं अपन कुछ और बोल रहा है, अब बताओ हाँ, तो जो अभी कंसेप्ट में डाउट है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑल ऑफ यू जिसको जाना जा सकता है, बाकी लोग पूछते रहे अभी।
क्वेश्चंस वाले में फॉर्म आज करके कर देता हूँ, इसी के लिए मैंने फ्री भी रखा है। क्वेश्चन जरूर भेज दो, उसे मैं सॉल्व करके ग्रुप पे डालता हूँ। सिक्वेंशियल में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का टाइम के साथ ग्राफ था वो, ठीक है। सिक्वेंशियल एक बार नोट्स ओपन करो एंड पैरेलल, जस्ट 2 मिनट में आता हूं। ओके, सीक्वेंशियल रिएक्शन देखो। सीक्वेंशियल रिएक्शन में एक बार देखोगे क्या क्या है, शॉर्ट में देखे क्या था। तो पैरेलल मैंने बताया था कि सबसे एसी मत लगाओ, सीएम नहीं बोलेगा, एसी मतलब अरे अपन एसी लगाने से सी कोविड कैसे चलेगा यार, कोविड का कोई पेशेंट तो हो तब तो चलेगा। और मेरा एसी चलता ही रहता है क्योंकि लोधा में फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आती, 2 साल से सब फ्री में चलाए जा रहे हैं हम लोग। तीनों एसी चला कर रखता हूँ घर का। हवा में यदि कोविड होगा तो घर के अंदर कहां से आएगा, हवा में एयरबॉर्न नहीं है वो, तुरंत गिरता है, इतना हैवी है ना, तुरंत गिरता है। अभी तो नया रिसर्च आया कि वेजिटेबल्स से भी नहीं फैलता वो भी एक गलत ही था, वो तुरंत नीचे गिर जाता, ज्यादा देर रह नहीं पाता। घर के अंदर यदि आ गया, घर के अंदर तो इतने ऊपर तो आ ही नहीं सकता वो लोग, जैसे ही किसी के बॉडी से गिरता है वो तो सीधे नीचे जाता है। अभी आया कि एयरबॉर्न बिल्कुल नहीं है वो, हाँ, बट यदि वो नहीं निकल पाए तो जो आसपास वाले 1 मीटर वाले वो इन्फेक्ट होंगे, बाकी नहीं हो सकते। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे होता है। देखो सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या क्या था, ए गिव्स आउट बी, बी से सी होगा। ये मैंने बोला था कि इसका केवल फॉर्मूला याद कर लो, ग्राफ याद कर लो, और कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत इसमें डेरिवेशन बहुत बड़ा तो तुमसे नहीं पूछते, तुम्हें ये सॉल्व करना इक्वेशन आएगा ही नहीं। जब डिफरेंशियल फर्स्ट इक्वेशन पढ़ोगे तब आता है। तो माइनस डी ए वन बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए, एक तो ये था,
डीवी बाई डी टी क्या हो गया, अच्छे से पढ़ा हुआ था, नोट्स में देखते जाओ, डीवी बाई डी टी बताया था, ये जब हो गया था इसका इक्वेशन एटी का आ गया तुम्हें क्या रहेगा, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी केवन टी, यही था ना। और बी का जब इक्वेशन लिखा गया था, एक बी का बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा, एक्सपेक्टेड है कि लर्न करो, बट आई टी इतना लर्निंग नहीं पूछता तो छोड़ देता तुम्हें। तो बी एट एनी टाइम क्या आ गया था इससे, के वन इंटू ए नॉट बाई के टू माइनस के वन, मतलब ये लिस्ट प्रेफर टॉपिक आईटी का, एक ही चीज पूछता है टी मैक्स क्या होगा, क्योंकि बी किसी रेट से फॉर्म हो रहा है फिर तुरंत डिकम्पोज हो रहा है, तो फॉर्मेशन रेट ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में लोग है तो फॉर्मेशन रेट बी का ज्यादा होगा, बट डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। मान लो 100 मॉलिक्यूल बना और 10 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, तो 90 हो गया ना, फिर 100 बना फिर उसका 10% ब्रेक हो गया, बट धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे बी का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, बी का अमाउंट स्लोली डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी तुम्हारा बी का अमाउंट स्लोली डिक्रीज होते चला जाएगा, और मतलब बी पे ये था कि यदि केवन बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो बी तेजी से बन जाएगा और डिकम्पोजिशन स्लो होगा। तो ग्राफ देखो एक बार, कौन सा था, के टू इज ग्रेटर देन केवन, मतलब डिकम्पोजिशन रेट फास्ट है, डिकम्पोजिशन रेट केवन से फास्ट है, मतलब केवन बना और तेजी से ब्रेक भी हो गया, तो बी का जो पिक आएगा वो बहुत ऊपर नहीं है, है ना। K2 बहुत ज्यादा ग्रेटर है विथ रेस्पेक्ट टू K1, मतलब K2 बहुत फास्ट है, B बनने के साथ ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो जाता है, B ऑलमोस्ट फ्लैट आ जाएगा। तो वो कर्व देखो, तो B का ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाया हुआ है ना, और A और C पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो देखो A एज इट इज डिक्रीजिंग था, A का वैल्यू क्या था, A नॉट ई रेस टू माइनस के टी, यही था ना। तो कोई भी ग्राफ रहे A का वही ग्राफ रहेगा, C का भी वही चल रहा है कि वो ऊपर की ओर जाएगा, बट सी और बी के रेट में फर्क पड़ रहा है। यदि के टी बहुत ज्यादा है तो बी एकदम फ्लैट रह गया, ना के बराबर बना, बी बना और सी फॉर्म हो जाएगा, बी बनने के साथ सी चला गया, तो बी बनने के साथ सी फॉर्म होगा, तो बी तुम्हारा क्या हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट और सी तेजी से शार्प जाएगा, तो वहां ए और सी का ही डोमिनेंसी होगा। देखो के टू वेरी लार्ज ग्रेटर देन के वन है, तो क्या हो गया, सी बहुत हाई होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, With respect to B, और K2 greater than K1 है तो क्या हो जाएगा, K2 greater than K1 है, वो देखो, तो B का ही मोल ब्रेक होकर C हो रहा है ना, तो B ब्रेक होगा और वहां पर C उसको डोमिनेट करते चला जाएगा, बट B बहुत ज्यादा है, C नहीं ना के बराबर है, तो B धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, तब C धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो B बहुत ऊपर दिखेगा, C स्लो बढ़ते दिखेगा। ए के ग्राफ में कुछ नहीं था, ए एज इट इज है, बी और सी का रिलेशन है सिर्फ। क्लियर हुआ दर्शन, क्या हो रहा है, टी मैक्स वाला मेन आता है, या ये फॉर्मूला पूछ देता है कि ये के टू ग्रेटर देन के वन तो क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता, के टू बहुत ज्यादा के वन से होगा तो क्या, वैसे तो आता ही नहीं, आ जाए तो क्या करोगे, बस यही करना है, टी मैक्स वाला कहीं कहीं आ जाता है, तो उसको अभी काइनेटिक्स ही चुकी एक चैप्टर है, टी मैक्स का चांस है आने का, तो फॉर्मूला याद कर लेना, एल एन के वन बाई के टू बाई के वन माइनस के टू, के वन के टू का वैल्यू दिया रहेगा, तो किस टाइम पे जाके बी का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होगा वो कैलकुलेट कर लेना। सिक्वेंशियल क्लियर हो गया, और किसका था पैरेलल, हाँ ऋषि कई दो तीन दिन से बोल रहा है, दो तीन दिन पहले से, और देखो अरे बट सब डाउट वाले निकल चुके हैं, 19 ही लोग हो तुम लोग, खलक आज तुम भी हो, तुम्हारा तो एकदम लगता है कि बिल्कुल लो प्रोफाइल पे चले गए हो आजकल, कुछ भी बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्या हो गया खलक, क्लास में इतना एक्टिव, और जब से जूम क्लास हुआ खलक का नाम भी नहीं आ रहा, युक्त तो मालूम चलते रहता है कि है,
जो लोग एक्टिवली पूछते रहते उनका नाम याद रहता है मुझे। बताओ जोआ ओजोनोलिसिस चाहिए है ना, गलत। तुमने अटेंड किया सारा क्लास बट मालूम ही नहीं चला है ना, बड़े लोग बड़ी बातें, क्लास अटेंड भी कर जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है। ओके कौन सा क्वेश्चन पूछा तुमने, देखिए ओजोन लिसिस। हाँ जो हाँ थोड़ा और बताओगे ओजोन लिसिस में कौन सा पार्ट, क्या पार्ट, कैसे। एक मिनट जो हाँ तुम्हें अनम्यूट करता हूँ, बताओ तुम। सबको अनम्यूट कर दो क्या, कोई डिस्टर्बिंग नहीं है ना, फिर आवाज आएगी। हाँ जो हाँ बताओ। सर वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने वाला, स्ट्रक्चर फाइंड करना है किसका, एल्कीन एल्काइन दोनों का जो एनालिसिस में प्रॉब्लम है। अल्कीन वाले में एल्कीन में स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे, जब डबल बॉन्डो को ब्रेक करके कैसे करना है ना, जैसे क्वेश्चन नहीं बनना है उससे कि थियरी में डाउट है, ये बताओ। हाँ जो थियरी में डाउट है तुम्हें, थियरी पार्ट में ही डाउट हो गया। देखो इसको ओजोनोलिसिस पार्ट में क्या था, एल्कीन में जब देखोगे सबसे इजी पार्ट है ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजी और इंपॉर्टेंट। यूजुअली जो टफ होता है इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ इजी होके इंपॉर्टेंट है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो है ना, तो जब तुम ओजोनोलिसिस करोगे पहले स्टेप में तो ये ओजोनाइड बन जाता है CH3CHO O और O ऐसे, C के साथ H और H है, यहाँ पे H है और ये H है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये H और OH, और इसका भी क्या हो जाता है OH इधर H इधर, यहाँ भी OH इधर H इधर, ये जब बन जाएगा CH3 के साथ COH, 2OH ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, और राइट साइड में क्या हो जाएगा एच सी ओ एच ऐसे आ जाएगा है ना, और यहाँ पे जो बन गया H2O2, तो H2O2 जो बन गया इसके लिए जेडन देते हैं, तो जेडन क्या करता है इसको ऑक्सीडाइज करने नहीं देता, खुद जेडनो प्लस H2O बन जाएगा, ये जेडनो प्लस H2O पे आ जाता है। क्लियर हुआ करना क्या था ओजोनोलिसिस से, जब ये ब्रेक करोगे अल्टीमेटली करना क्या, बीच से बॉन्ड को ब्रेक करो और एक 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 ऑक्सीजन चिपका दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो यहाँ पे एक ऑक्सीजन चिपका दो, जो जैसा था वैसे रहने दो, ये होता है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। क्लियर, तो जितने भी डबल बॉन्ड हो ब्रेक करते जाओ और उसके जगह एक एक ऑक्सीजन पुट करते जाओ, जैसे CH3CH3 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी के साथ HOCH3 रहे, ओजोनोलिसिस होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर भी यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर भी यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, मतलब बीच से कट करो ऑक्सीजन पेस्ट कर दो, यहाँ पे क्या हो गया बीच से बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ भी ऐसे, उसके बाद वाला में भी इस तरह से, देन CH3COH ये हुआ ना। एल्काइंस में ओजोनोलिसिस के बाद, एक मिनट क्या पूछा तुमने, एल्काइंस में ओजोनोलिसिस के बाद अगर कीटोन आएगा तो उसका एसिड बनाएंगे क्या, एल्काइन आ गया और डाइकीटोन तुरंत ऑक्सीडाइज होता है, एल्काइन में जाओगे तो पहले में क्या था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेस्ट करना है, ये था ना, ये हो जाएगा CH3CO, ये हो जाएगा CO के साथ H, ऐसे है ना। अब एक्चुअली यदि जेडन और H2O है तब तो एज इट इज पड़ा हुआ, बट सिर्फ H2O है
सिर्फ H2O है, तो बीच में क्या होता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे और दोनों को एसिड बना दोगे ऑक्सीडाइज करके, ये भी एसिड और इसका भी एसिड, और यही O3 के साथ जेडन दे दिया है, मतलब कि वो H2O अपना काम कर ही नहीं पाए, तो क्या होगा CH3COCOH, तब तक डाइकीटोन बनाकर छोड़ो। यही था ना, रिकॉल करो एल्काइन का नोट्स एक बार देखो। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, पहले ओजोनलिसिस वाला पार्ट कर लें, इतना जल्दी नहीं होगा। ओजोनलिसिस में पूछो पिक्चर, मैं सारे एग्जांपल ही बता देता हूं जो दिया था, रुको। तुम्हें करना क्या था कि जेड एन एस टू रहे तो कुछ नहीं, बस डाइकीटोन बनाकर छोड़ दो, जेड एन एस टू रहे तो, और यदि जेड एन गायब हो गया तो एसिड बना देना। ये पॉइंट क्लियर हुआ, जेड एन गायब होगा तो दोनों को एसिड बनाकर रख देना। आ जाओ बताओ, हाँ कोलबेज बताता हूँ, रुक जाओ। एंड हाउ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बाय ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन, और जो एनालिसिस तुम्हारा क्लियर हो गया, करना क्या था एल्कीन एल्काइन में, यदि जेडन नहीं दिया तो फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एसिड बना दो, है ना, और जेडन दिया हुआ है तो जस्ट डाइकीटोन बना दो, और एल्कीन में जैसा है वैसा है। एल्कीन वाला क्लियर था, इसका बताओ क्या करेंगे, जैसे कि CH डबल बॉन्ड C के साथ, ये दोनों में CH3 है, एक है O3 के साथ ZnH2O, तो ZN दिया हुआ तो बस ऑक्सीजन कट पेस्ट मार दो, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, बॉन्ड ब्रेक करो बीच में ऑक्सीजन चिपका दो, बस हो गया, यही था ना। बट O3 के साथ सिर्फ H2O रहेगा तो ऑक्सीडेशन भी करना होगा, तो जो एल्डिहाइड है उसको एसिड बनाना था CH3COH, और कीटोन एज इट इज पड़ा रहेगा CH3COCH3। क्लियर हुआ, नेक्स्ट में बताओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ ये मैंने बताया कि H है, तो यहां सिर्फ O3 और H2O होगा तो क्या करोगे, एसिड बनाओ दोनों का CH3CO COH, ये कब, जब जेडन दिया होगा, जेडन नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ ओजोनोलिसिस और H2O रहे तो दोनों को ऑक्सीडेशन कर देना, CH3COH प्लस HCOH, तब दोनों का एसिड। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ओजोनोलिसिस क्लियर है, किसी का कोई और डाउट इसमें, बैक से चले, और क्या था, अल्काइन्स में ओजोनोलिसिस के बाद कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ यूज कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज में क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस जैसे तुमने CH3CO- ले लिया, के प्लस है, ये कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पे गया, एनायन किधर जाता है, एनोड पे जाता है, एनोड पे जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया, उसका इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोड ले लेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे CH3 के साथ CO रेडिकल है तो ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक होके क्या हो गया, CH3 रेडिकल बन गया। अब CH3 रेडिकल दो कंबाइन करके क्या होगा, C2H6 और यहाँ पे CO2 बाहर, यही होगा ना,
अब जब तुम्हारे पहले से इस तरह से हो जाए O माइनस तो पहले स्टेप में क्या होगा, एनोड पे जाके इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, दोनों दोनों क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे, CH3COO रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, CO2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये फ्री रेडिकल बन गया। बट फ्री रेडिकल तो आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे ना, तो इससे एल्कीन बनाया था हम लोगों ने। और पहले से यदि डबल बॉन्ड है तो और अच्छा, तब तो एक ही बॉन्ड बनेगा वो रेडिकल। इसमें भी क्या हो जाएगा बताओ, ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये फॉर्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, HC CH। ये क्लियर हुआ तो तुम्हें बस एक ही चीज याद रखना है कि इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल। RCOR रेडिकल का क्या करना है, RR रेडिकल कर देना, मतलब कहीं पे भी ये आ जाना RCOO रेडिकल, तो RCOO माइनस है तो इससे क्या बनाना है, RR R रेडिकल और उससे RR बना देना, जो भी रहेगा वो फॉर्म हो जाएगा। हाय उस पर किस पॉइंट में डाउट है, थोड़ा सही से पूछोगे कि क्लियर हो गया। क्लियर है? हाँ वरद, कौन सा OMDM का रिएक्शन मैकेनिज्म, OMDM ना? ओके देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या पड़ा हुआ था देखो। HgOCl2 लोगे, HgOCl2, उसमें OAC- बाहर कर दो तो बनेगा क्या, Hg+। देखो मर्क्यूरिक एसिटेट, इसमें Hg पे क्या है, +2 चार्ज, OAC- है, यही है ना -1, मतलब HgOCOCH3 है, और ये भी क्या है, OCOCH3। अब तुमने ये OAC- बाहर कर दिया तो क्या बच जाएगा, Hg पे +2 चार्ज है ना, ये क्या हो जाएगा HgOAC, OAC पे -1 चार्ज, Hg पे +2, ओवरऑल पे क्या होगा, +1 ना, HgOAC+। ऐसे लिखेंगे ना तो नोट्स में होगा HgOAC2 gives out HgOAC+ और OAC-। एक्चुअली मर्क्यूरी पे +2 चार्ज है तो अटैक करेगा ना, ओवरऑल पे +1 चार्ज है, वो कहां पर जाकर अटैक करता था, विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें साइक्लिक कार्बोनियम आयन, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनेगा। अभी HgOAC+ जाकर अटैक करे तो जैसे ये वाला पार्ट जाके इस पर अटैक कर जाए तो क्या बन जाएगा, CH3CH CH2। HgOAC को वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये दो बॉन्ड बना देगा और HgOAC+ रहा है यहाँ पे, ये रहा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब वाटर अटैक करेगा, वाटर दे दे या NH2 दे दे या R2S दे दे, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई जरूरी नहीं कि वाटर ही दिया रहे, हम लोगों ने कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे दिया, NH2 ही दे दिया, तो वो जाकर अटैक करेगा और ये पार्ट बाहर आ जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा CH3CH, यहां पर आ गया न्यूक्लियोफाइल, और ये CH2 के साथ यहां पे क्या आ जाएगा, HgOAC। अभी इसका प्लस चार्ज गायब हो चुका है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला ना, वो मतलब नहीं है, प्लस गायब हुआ माइनस हुआ, बस उस सब का कोई मतलब नहीं है, बस Hg का कोई फॉर्म आ गया वो बाहर निकल गया। अब NaBH4 दोगे तो क्या होगा, या H- है तो H- जाकर अटैक करेगा, वो इसको बाहर भेज देगा, क्या बन जाएगा, CH3CHNO,
और यहाँ पे CH3। यहाँ पे NaBD4 है, यहाँ पे मान लो D4 लिया, BD4 तो यहाँ से D माइनस आएगा, वो D माइनस बाहर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा CH2 के साथ D, ऐसे। तो क्या दिया वो मैटर करता है, GOC के साथ अल्कोहल दिया तो अल्कोहल जो भी रहे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तुम्हें दे दिया गया, HgOAC ट्वाइस, इसके साथ मान लो कि अल्कोहल दे दिया गया, तब क्या होगा, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन हो गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ओआर है और यहाँ पे जो तुम दोगे मान लो NaBD4 दे दिया, यहाँ डी आ जाएगा इसका, यही था ना, NH3 दे दिया गया, HgOSC ट्वाइस, न्यूक्लियोफाइल अब NH3 है, वाटर नहीं है, वाटर रहेगा तो वही चाहेगा, और दूसरा NaBH4 है या ND3 दे दिया गया, ND3 से क्या आ जाएगा था? CH3 CH, यहाँ पे ND2 आ जाता और यहाँ पे CH2 के साथ NaBH4 से H आ जाता, ये H इधर जाएगा और यहाँ पे जो मैंने दिया है ND3 तो ये नाइट्रोजन वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, क्लियर हुआ ना। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी के एडिशन एंड डी मर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी को फिर बाद में बाहर भेज दिया गया। अब इसका इंट्रा मॉलिकुलर मैकेनिज्म भी था, इंट्रा मॉलिकुलर मैकेनिज्म कैसे था कि बाहर से ना देख अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल बना दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH2, यहाँ पे मान लो कि OH है CH3, तब ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, यही होगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जैसे NaBH4 तुमने दे दिया तो ये H वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे NH3 है तो NH2 को अटैक कर देना, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा जो न्यूक्लियोफाइल है CH पे जाएगा, ये जो भी रहे NH2 रहे OH रहे OR रहे SH रहे, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एग्जाम में। हाँ अर्पण सोनी, यस क्या पूछ रहे हो बताओ ठीक से, H2O2 में ONDM पहले क्लियर हो गया वरन, ये पहले आया था ना एल्किन्स में, कीटोन तो एसिड, हाँ यहाँ तक हो गया, हाँ वरद ONDM क्लियर हो गया, यस। तो अर्पण का क्वेश्चन है H2O2 एग्जामिनेशन, हाँ क्या पूछ रहे थे बताओ, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एग्जाम में आ सकता है क्या, अर्पण सोनी आर यू देयर, नहीं शायद उसका क्लियर हो गया, वो चला गया, हाँ अब बताओ और कौन सा है, हाँ पूछो और कौन सा कंसेप्चुअल डाउट है, हाँ पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर पूछा किसी ने, किसने पूछा पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर, वो है अभी ग्रुप में नहीं, बताओ डाउट्स बताओ और क्या है, सबको 10:30 दिख रहा है, नहीं कोई डाउट नहीं, बस इतना ही था दो चार, ओके चलो तो मीटिंग ओवर करते हैं, ठीक है डाउट्स भेजो मुझे, आज मैं बना के भेजता हूँ, क्वेश्चंस भेजोगे तो न्यूमेरिकल उसको लिख के भेज पाऊंगा, थ्योरेटिकल क्या लिखूंगा उसमें, न्यूमेरिकल्स वाले को लिख के भेजता हूँ ग्रुप पे सबके लिए एक साथ डाल देता हूँ, तब क्लियर रहेगा वो, एल्केन्स का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ना, एल्केन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ही पूरा इंपॉर्टेंट है, वो क्या करेंगे ना डिकार्बोक्सिलेशन से एक देंगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से एक दे देंगे, है ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एक दे देंगे, जो एग्जांपल नोट्स में मेरे उसी में से कोई ना कोई होगा, डिकार्बोक्सिलेशन और ये सब जो भी हो गया, हर टॉपिक से एक एक देंगे वो। अब प्रॉपर्टीज में जाओगे तो एल्केन में एक ही इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन, बाकी सबसे कुछ नहीं आएगा, मतलब क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन इससे एक क्वेश्चन देंगे, खुद ही सोचो जब MS वहां सॉल्व कर रहा था मालूम चल रहा है कि नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सबका एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एरोमेटाइजेशन आइसोमराइजेशन ये सबका कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन किसका है क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, तो वही देंगे ना वो, ओके
चलो ठीक है, ओवर करें मीटिंग फिर, 11 बज गया था तुम लोगों के। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना?